हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भैया आज हम 2D एरे को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करते हैं। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भैया रो मेजर ऑर्डर क्या होता है और उसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज हम सेकेंड पार्ट उसका पढ़ेंगे कि कॉलम मेजर ऑर्डर क्या होता है। हाँ जी भैया, तो चलो शुरू करते हैं। कॉलम मेजर ऑर्डर क्या होता है? देखो सिंपल सा होता है कि मेरे पास एक 2D एरे जो उसको हम विजुअलाइज करते हैं कि वो मेमोरी में सेव कैसा होगा। ठीक, अब इसका नाम कॉलम मेजर ऑर्डर है तो मतलब कॉलम वाइज ये सेव होने वाला है कि पहले ये वाला कॉलम सेव होगा 1 4 7 10 1 4 7 10, फिर 2 5 8 11, 2 5 8 11, फिर 3 6 9 12, 3 6 9 12। तो यही है इसका डिफरेंस दोनों में कि रो मेजर होता है रो वाइज सेव, कॉलम मेजर होता है कॉलम वाइज सेव। रो मेजर को हमने देखा था पहले 1 2 3 सेव होता था, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हाँ जी भैया, यहां तक क्लियर है। हाँ जी भैया, यहां तक मुझे क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 9 है ये मेमोरी में किस लोकेशन पे जाके सेव होगा तो क्या हम गेस कर सकते हैं? अगर मैं इसकी बात करूं, ये है मेरा ARR 22, ये कहां पे जाके सेव होगा मेमोरी में एक्चुअल में? तो मैं देख पा रहा हूं जो मेरा 9 है वो एक्चुअल में यहां पे सेव होगा। तो क्या मैं इस इंडेक्स को फाइंड कर सकता हूं? अगर मुझे ये इंडेक्स गिवन है और मेरे उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम गिवन है। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे मैं रो मेजर के लिए फाइंड कर सकता हूं। सेम फॉर्मूला अब आपको क्रिएट करना है कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए, और ये आपके लिए होमवर्क। ये बहुत आसान चीज है, जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया था वो इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम पूछेंगे कि भैया जो C++ होती है या जावा हो गया, ये किसको फॉलो करते हैं? मैंने कहा ये दोनों फॉलो करते हैं रो मेजर ऑर्डर को। बाय डिफॉल्ट इनका यही रहता है कि आप जब भी एक 2D एरे का टाइप का विजुअलाइज करेंगे तो ये मेमोरी में जैसे सेव होंगे वो रो मेजर ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे। क्लियर है? हाँ जी। अब आप सोचेंगे यार हमारे पास जो इतने बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं जहां इतना सारा डेटा क्रिएट होता है तो वहां पे कौन सा फॉलो होता है? क्या वहां पे भी रो मेजर फॉलो होता है या कॉलम मेजर फॉलो होता है? देखो वहां पे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी मेथड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि यार कॉलम मेजर को स्टोर कराने में मुझे फायदा है तो मैं कॉलम वाइज उनको सेव करूंगा। मुझे अगर लगता है कि रो वाले से मेरे को अच्छा पड़ेगा तो मैं रो वाले को प्रेफर करता हूं। उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। भैया अभी जो आपने बातें करी ये थोड़ा सर के ऊपर से मेरी गई है। थोड़ा एक एग्जाम्पल से अगर आप एक्सप्लेन करते थे तो मजा ही आता था, तो मैंने कहा चलो आपको ये मजा दिलाते हैं। अब देखो, मान लीजिए एक बैंकिंग सिस्टम को मैं मान लेता हूं। ठीक, बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या होता है? एक अकाउंट होता है, ऐसे आता मेरा डेटा, अकाउंट नंबर होगा, ठीक, और अमाउंट होगा, ठीक, और उस इंसान का कुछ भी आईडी। ठीक, मान लो इस अकाउंट 1 है, आईडी 1 है, अकाउंट नंबर 1 2 लिख देता हूं, आईडी 2, आईडी 3, आईडी 4, आईडी 5, 5 लोगों का है। ठीक है, अकाउंट नंबर उनके कुछ ऐसे दे रखे हैं। ठीक, उनके अकाउंट में, एक के अकाउंट में 100 हैं, एक के अकाउंट में 200 हैं, एक के अकाउंट में 300 हैं, एक के अकाउंट में 100 हैं, एक के अकाउंट में 500 रुपए पड़े हैं। इस तरीके से डेटा होगा आपके पास। हाँ जी, कि भैया एक अकाउंट है जिसकी आईडी 1 है, अकाउंट नंबर 12 है और उसमें 100 रुपए पड़े। ऐसी आईडी 2 है, उसका अकाउंट नंबर 23 है और उसमें पैसे 200 पड़े। इस टाइप के पास आपका डेटा है। अब जब भी मेरे पास डेटा होता है, डेटा तो मैंने ले लिया, अब उसको कहीं सेव करना पड़ेगा ना, स्टोर कराना पड़ेगा ना। हाँ जी भैया, स्टोर तो कराना पड़ेगा। तो मैं देख पा रहा हूं इसको स्टोर कराने के मैं 2D एरे का इस्तेमाल कर सकता हूं। कर सकता नहीं कर सकता? हाँ जी, 2D एरे टाइप का ही दिख रहा है, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, दिख रहा नहीं दिख रहा है? हाँ जी भैया, 2D एरे ही मुझे दिख रहा है। अब ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मेमोरी में स्टोर कैसे होगा, क्योंकि मेमोरी में 2D एरे स्टोर नहीं होगा। क्या होगा स्टोर? 1D एरे। कल मैंने आपको इसका रीजन बताया था, क्योंकि जो एरेज होते हैं वो कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे डेटा को सेव करते हैं। अगर आपकी मेमोरी ये रही, ठीक है, तो ये नहीं कि आपने इसको उठा के यहां पे सेव कर दिया, यहां पे सेव कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ये सेव होगा ऐसे करके, एक 1D एरे टाइप में, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ठीक, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ऐसा होता था कि इसकी लोकेशन 100 हो, इसकी 104, इसकी 108, इसके बाद भी लोकेशन होगी। आपने इस वाले को 200 लोकेशन में कर दिया, फिर इसको 204। एरे क्या कहता है कि कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होना चाहिए। तो मैं इसको फॉलो कर सकता हूं कि 100, 104, 108, 112, 116। तो मान लो इसको मैंने 100 यहां पे कर दिया, इसको मैंने यहां पे कर दिया, इसको यहां पे ऐसे ऐसे करते मैंने सेव कर दिया। ये मेमोरी लोकेशन है, ये एड्रेस की बात मैं कर रहा हूं। क्लियर है? हाँ जी। तो मुझे पता है ये एक 1D एरे के फॉर्म में ही वहां स्टोर होने वाले, और क्यों मैं ऐसे करता हूं? क्योंकि मुझे जो एक्सेस है वो उसको मैं फास्ट तरीके से कर पाऊं। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब मान लीजिए इसी डेटा को अगर मुझे अपनी मेमोरी में स्टोर कराना हो तो मुझे पता है कि 1D एरे के फॉर्म में कराना पड़ेगा। ये 15 साइज का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, ठीक। अगर मैं इसे रो मेजर ऑर्डर के फॉर्म में करता हूं तो मान लीजिए 100 रुपए 12 1, फिर 200, फिर 23, फिर 1 सॉरी 2, 300 46 और 3, 100 72 और 4, और लास्ट में 500 85 और 5। ऐसे करके डेटा सेव होगा। हाँ जी। अब मान लीजिए आप बैंकिंग सिस्टम है, मैं एसबीआई का ओनर हूं, ठीक। मुझे सिंपली यही चेक करना है कि मेरे बैंक में टोटल कितने रुपए हैं। मैं एसबीआई वाला हूं, ठीक, मैं यहां का मालिक हूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि मेरे यहाँ 100 200 300 300 300 600 700 500 1200 रुपए अभी तक मेरे टोटल मेरे बैंक में जमा है। ये मुझे निकालना है, ठीक। हाँ जी। अब आप क्या करोगे? आपको पता है मेमोरी में आपका ये डेटा ऐसे करके सेव हो रखा है ना। जब आप इसमें क्वेरी चलाओगे, कुछ भी करोगे, आपको इसको कैलकुलेट करना है सम को। तो आपने पहले देखा कि 100 रुपए, फिर इस 200 को, इस 300 को, और इस 100 को, और इस 500 को मुझे ऐड करना है, तब जाके मेरा आंसर आ पाएगा। हाँ जी। तो मैंने क्या करा, इसको पकड़ा, फिर 2 जंप करने के बाद 200, फिर 2 जंप करने के बाद अगले वाले को, 2 जंप करने के बाद अगले वाले को, 2 जंप करने के बाद अगले वाले को। क्लियर? ऐसे करके मैं सम निकाल लूंगा। हाँ जी। अगर यही डेटा आपका 1 लाख का हो तो फिर आपको सेम काम करना पड़ेगा। हाँ जी। क्या हो कि अगर मैं इसी डेटा को कॉलम मेजर ऑर्डर में सेव करके रखता तब मेरे लिए थोड़ा इजी पड़ता। क्यों मैं इजी बोल रहा हूं? देखो, उसमें इजी इसलिए पड़ता, अब देखो जैसे हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं ना, वैसे सिस्टम भी काम करता है कि मैंने 100 रुपए यहां पे रख दिए, फिर 200, फिर 300, फिर 100, फिर 500, फिर उसके बाद अगला वाला कॉलम मेजर ऑर्डर अगर मैं फॉलो करूं, ऐसे ऐसे करते सेव हुए। अब अगर मुझे निकालना है कि मेरे बैंक अकाउंट में टोटल कितने रुपए पड़े, मुझे सिंपल सा यहां से लेके यहां तक के नंबर को ऐड कर देना है, क्योंकि मुझे पता हो एक के बाद एक नंबर होने वाले हैं। और यहां पे मैं फास्ट कैलकुलेशन कर सकता हूं। कर सकता नहीं कर सकता, जल्दी कैलकुलेट होंगे ना। पहले वाले में आपको 2-2 करके जंप करने पड़े थे, अब आपको सिंपल, आपको पता कि मेरा डेटा यहां से यहां तक रखा है, एक ही बार में मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। तो आपको पता चला कि कॉलम मेजर का क्या बेनिफिट है। हाँ जी भैया, कॉलम मेजर का क्या बेनिफिट है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी उस हिसाब से आप रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे। आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि यही आपके 1 लाख यूजर हैं और इनकी जगह में और भी सारी चीजें हैं, मान लो 100 चीजें और हैं, ठीक। तो तब आपको शायद दिखेगा कि इसका बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि मेरा डेटा एक ही जगह में पड़ा है और मैं एकदम से उसका आंसर निकाल सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी। तो भैया फिर तो रो मेजर कहीं फॉलो ही नहीं होता होगा। मैंने कहा होता है, रो मेजर हमारा फॉलो होता है। वो कहां पे होता है? देखो, हम सब ने फेसबुक चलाते हैं, है ना। फेसबुक क्या मांगता है हमसे? हमारी ईमेल आईडी मांगता है, हाँ जी भैया, और फोन नंबर, हाँ जी, और हमारा पासवर्ड यही रहता है। हाँ जी। तो ईमेल आईडी मान लो मैं AB बोल देता हूँ, फोन नंबर मैं 98, और पासवर्ड को मैं ऐसे स्टार्ट करके मान लेता हूँ, फिर AC 91 ऐसे करके कुछ पासवर्ड होगा, फिर AD, फिर कुछ ये होगा A2 फोन नंबर, ऐसे करके पासवर्ड, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना होता मुझे? क्या यहां पे मुझे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि भैया ये देखो मेरी ईमेल आईडी का मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं, या फोन नंबर का मुझे सम निकालना है, या पासवर्ड का मुझे सम निकालना है, ऐसा कुछ कर रहा हूं? मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक। कोई यूजर आएगा, ठीक है, उसने अपना ईमेल आईडी डाला और अपना पासवर्ड डालेगा। मुझे सिर्फ ये चेक करना पड़ता है कि जो उसने पासवर्ड डाला है करेक्ट डाला है या सही डाला है। उसने जो भी पासवर्ड डाला है मैं उसके साथ मैच करा दूंगा, अगर वो सही हुआ तो मैं उसको लॉग इन करने दूंगा। इस केस में मैं रो मेजर को फॉलो करूंगा। क्यों करूंगा? मेरे लिए वो ज्यादा बेनिफिट होगा कि पहले AB 98 और स्टार, फिर AC 91 और ये ऐसे ऐसे करते हैं। ये डाला यूजर ने, मान लो AB को डाला, ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है, उसके क्रॉस चेकिंग उसने कुछ पासवर्ड दिया, तो आपको पता है आपको 2 आगे जाके सिर्फ उसके पासवर्ड को चेक कर लेना और आप उसको लॉग इन करने दोगे। हाँ जी। अगर यही चीज मैं फॉलो करता कॉलम मेजर की फॉर्म में तो ये कैसे दिखता कि AB, फिर आता मेरा AC, फिर आता मेरा AD, फिर आता 98, फिर आता 91, फिर आता 82, फिर मेरा ऐसे करके पासवर्ड आते नहीं आते। हाँ जी भैया। अब मान लो उसने लॉगिन किया इस ईमेल आईडी से, तो आपको अब उसका पासवर्ड चेक करना है, तो आपको इतना बड़ा जंप लेके यहाँ चेक करना पड़ेगा कि वो पासवर्ड सही है या नहीं। यहाँ पे आपको पता कि वो 2 जंप थी, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपको कौन सा फॉलो करोगे? ये वाला फॉलो करोगे ना। हाँ जी भैया। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे। बाय डिफॉल्ट C++ रो मेजर को ही फॉलो करता है। यहां तक चमका? हाँ जी भैया। भैया आज मैंने थोड़े बहुत रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन क्या होता है रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर का, वो भी मैंने अच्छे से सीखा है। अगर यहां तक समझ आया तो भैया लिख दो नीचे कि भैया चमक गया है, चमक गया है, चमक गया। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कब मुझे रो मेजर ऑर्डर लेना है, कॉलम मेजर कब लूं। बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जब हम डेटाबेस, एसक्यूएल इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको और डिटेल में इन डिटेल बताऊंगा। अभी डीएसए का पार्ट है नहीं, पर मैंने आपको एक हिंट देने के लिए ये चीजें समझाई हैं। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। क्या आपको ये भी क्लियर है कि क्यों मेरा 2D एरे 1D एरे के फॉर्म में सेव होता है मेमोरी में? हाँ जी भैया वो भी मुझे पता है। अब देखो एक और रीजन जो उसका है, देखो मैंने कल आपको बताया था कि अगर मैं इसको एक एरे मान लू, इसको छोड़ो, इसको अगर मैं कोई एरे मान लू ARR, ठीक, और अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि मैं इसको टोटल ऐसे ही स्टोर करा दूं, जैसे ये दिख रहा है सीधा मेमोरी में ऐसे ही स्टोर करा दूं, ऐसा क्यों नहीं कराता हूं मैं? कोई तो रीजन होगा। एक और रीजन है, मुझे पता है ARR के पास पहले वाले का एड्रेस रहता है, इसका एड्रेस, तो मान लो मुझे पता है इसका एड्रेस 500 है, ठीक है, तो मान लो ये 500 पे स्टोर होगा, ठीक है, अगला वाला 504, अगला वाला 508, ठीक। अब ये वाला कहां पे स्टोर होगा? अगर ये ऐसे करके स्टोर होता है, अगर ये 2D एरे के फॉर्म में स्टोर होता है, जब अब ये तो नहीं होगा ना कि ये 508 है तो ये 512 हो, ये तो नहीं होगा क्योंकि 512 होगा इसका अगला वाला, 516 होगा इसका अगले वाला, 520 होगा इसका अगला वाला, क्योंकि कंटिन्यूअस में वो उनको लोकेशन देता है, ठीक। हाँ जी भैया, तो ये तो नहीं होगा 512, तो आपको पता कैसे चलेगा इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है? कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये 512 नहीं होने वाला, ये कुछ भी हो सकता है, ये 600 हो सकता है, 610 हो सकता है, 620 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने इन सबको 1D एरे में डाला है। और जब मुझे अपने डेटा को सेव करना हो, या तो मैं रो मेजर ऑर्डर में करूंगा सेव, क्योंकि मुझे पता हो कंटिन्यूअस वे में स्टोर होंगे, या कॉलम मेजर ऑर्डर को फॉलो कर रहूंगा। अब तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। हाँ जी भैया अब ये मुझे क्लियर है। अब अगर आपको ये क्लियर है तो अब हम पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में कि वेक्टर क्या होते हैं। ओके ये रहा, अब हम वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि 2D वेक्टर क्या होता है। मैंने कहा जैसे मेरा 2D एरे होता है ना, वैसे ही मेरा ये भी होता है 2D वेक्टर, कि सही है भैया। कैसे क्रिएट करते हैं? मैंने कहा सिंपल है, इसको अगर आपको क्रिएट करना है सिंपल से, देखो आपको वेक्टर लिखना है, ठीक, 2D वेक्टर है तो वेक्टर फिर से लिखोगे इंटीजर, और उसका नाम मान लो उसका नाम है मैट्रिक्स। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। ऐसे करके आपने 2D वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, अब मुझे पता है मेरे वेक्टर के अंदर रोज भी होती हैं, कॉलम भी होती हैं, तो उनको कैसे बनाऊं कि कितनी रोज कितने कॉलम मेरे होने वाले हैं? मैंने कहा वो काम भी करना आसान है, वेक्टर वेक्टर इंटीजर इंटीजर, ठीक, यहां पे लिख दूंगा मैट्रिक्स। अब कितनी रोज होने वाली है वो आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, कॉमा, कितने कॉलम होंगे यहां पे नहीं लिखूंगा, पहले इसको ऐसे करके लिखूंगा वेक्टर इंटीजर कॉलम, और अगर मैं चाहता हूं उसको मैं किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करूं पूरे उसको, तो वो मैं यहां पे डाल सकता हूं। इस तरीके से ये क्रिएट होता है, सिंपल सा। क्लियर है? हाँ जी, मान लो रो की जगह में मैंने 3 डाल दिया, कॉलम की जगह में मैंने 4 डाल दिया, इनिशियलाइज मैंने 2 से कर दिया, तो आपका एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। इस टाइप से 3 रोज उसमें होंगी, 1 2 3, ठीक, और उसमें कितने कॉलम होंगे? 4, ऐसे करके, और उन सबके अंदर डाल दिए 2 को, सबके अंदर 2 को बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज आपने कर दिया। तो इस टाइप से आप 2D वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। इसका नाम मैट्रिक्स दे देता हूं। हाँ जी भैया, अगर यहां तक चमक रहा है तो भैया लिख दो कि भैया अच्छे से चमक गया है। अब अगर आपको इसको अपडेट करना हो, मुझे पता है 0 1 2 3 है, 0 1 2 है, ठीक है, अगर आपको इसको अपडेट करके 2 की जगह में 4 लिखना हो तो आप कैसे कर सकते हैं? इसकी लोकेशन ढूंढो 1 2 की मैट्रिक्स 1 2 पे जाके उसको क्या कर दो? 5 कर दो, इसको 2 से काट के 5 पे चेंज कर दो, तो ये 5 पे अपडेट हो गया। क्लियर है? हाँ जी। सेम मैं यूजर से इनपुट भी ले सकता हूं, सी इन मैट्रिक्स 2 2 पे यूजर ने डाल दिया 7, तो ये 7 बन जाएगा। इस टाइप से मैं कर सकता हूं। ये समझ आया? हाँ जी भैया समझ आया। यहां तक चमका है? हाँ जी भैया यहां तक भी मुझे अच्छे से चमक गया। अगर यहां तक चमक गया तो लिख दो कि भैया बढ़िया मजेदार तरीके से मुझे चमक चुका है। अब अगर आपके पास ये मैट्रिक्स दी है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि इसमें कितने रोज और कितने कॉलम है, कितने रोज और कितने कॉलम है। मान लो आपको अभी इनिशियली आपको पता नहीं है, किसी ने फंक्शन कॉल लगाया, आपको एक वेक्टर पकड़ा दिया, एक फंक्शन कॉल लगाया वेक्टर पकड़ा दिया, और आपको सिर्फ वेक्टर ही मिला है, ये नहीं बताया उसने कि कितने रोज कितने कॉलम इसके अंदर है। तो मैंने कहा आप उसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यूं कैसे निकाल सकते हैं? मैंने कहा सिंपल है, आपको क्या लिखना है, मान लो मैं रो इसके अंदर उसको स्टोर कर रहा हूं, इसका नाम मैट्रिक्स है, हाँ, तो मैं लिखूंगा मैट्रिक्स डॉट साइज। बस मैट्रिक्स डॉट साइज से मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कितनी रोज होने वाली है, 1 2 3, इसका आंसर 3 आ जाएगा। मुझे अगर कॉलम फाइंड करना हो कि कितने कॉलम होने वाले हैं, मैंने कहा उसको भी फाइंड कर सकता हूं कि मैट्रिक्स 0 डॉट साइज, कि मैट्रिक्स जो मेरी 0 है इसका साइज कितना है, तो कहेगा 1 2 3 4, ये आपको 4 लेके दे देगा। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो मेरे क्या होते हैं, कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, और उनको मैं ऐसे करके फाइंड कर सकता हूं। रो मैं ऐसे ढूंढ सकता हूं, कॉलम में ऐसे करके ढूंढ सकता हूं। क्या ये चमका है? हाँ जी भैया ये मुझे चमका है। तो अगर ये यहां तक आपको क्लियर है तो अब आई थिंक हमने इनफ इसके अंदर सीख लिया है। अब हम चलते हैं सीधा इसको इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। चलो देखते हैं इसका कोड पार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं यार हमारा 2D वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम वेक्टर को इंक्लूड करवा लेंगे, हैज इंक्लूड वेक्टर, हाँ जी भैया, और अपने एल्गोरिथम को भी इंक्लूड करवा देते हैं, हैज इंक्लूड एल्गोरिथम, हाँ जी भैया करवा दिया। अब 2D वेक्टर पहले हम क्रिएट कैसे करेंगे वो सीखते हैं। क्रिएट 2D वेक्टर, अभी तक हमने देखा था, मैंने कहा बहुत सिंपल होता है वेक्टर, ठीक, वेक्टर इंटीजर इंटीजर, और इसका नाम दे दूंगा मैं कुछ भी, मान लो इसका नाम मैंने मैट्रिक्स दे दिया। इस टाइप से मैं इसको क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। हाँ जी भैया देखो इसको आप ना जनरल वे में ऐसे भी समझ सकते हो। जब मैं 1D वेक्टर क्रिएट करता हूं तो ऐसे करके करता था, वेक्टर इंटीजर, इस तरीके से 1D, ठीक। लेकिन मुझे पता है जो 2D वेक्टर होता है वो बहुत सारे 1D वेक्टर को मिलकर बनता है ना। एक 1D वेक्टर को मिलकर बन जाएगा, 2 को मिल जाएगा, 3 से मिल जाएगा, हाँ जा। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, वेक्टर इंट डाल दिया, क्योंकि ये बहुत सारे वेक्टर इंट से मिलके बन रहा है। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब यहाँ पे मैं इसका क्या मेंशन कर देता हूँ, जो जितने साइज का मुझे चाहिए, मान लीजिए मुझे 3 रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए वो मैं ऐसे करके ले लूंगा। यहाँ पे आएगा कॉलम, तो मान लीजिए मुझे 4 कॉलम चाहिए और सबको इनिशियलाइज करना है मुझे 0 से। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो मान लो 1 से कर रहा हूँ। अब एक काम कर लेता हूँ, इनको मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि फॉर इंटीजर i = 0 से i < कहाँ तक। अब मैंने आपको बोला था क्योंकि मुझे पता है इसमें 3 रो हैं, और फिर फॉर इंटीजर j = 0 से j < कहाँ तक, 4 तक, j++, और सी आउट कर दूंगा अपने मैट्रिक्स को, सिंपल सा। हाँ जी भैया जी इस तरीके से करवा सकता हूं। हाँ जी भैया करवा सकते हो, थोड़ा स्पेस भी दे देते दोनों के बीच। ये लीजिए इसको अगर रन करूं तो इसने पहला एरर यहां पे मारा है कि अ स्पेस इज रिक्वायर्ड बिटवीन कंसेक्यूटिव राइट एंगल ब्रैकेट। ये वो कह रहा है कि इसके बीच में उसको स्पेस चाहिए, वो सोच रहा है कि ये दोनों एक साथ हैं। इसको ऐसा कर देते हैं तो ये रन हो जाएगा। चलिए इसे हटाते हैं। तो हमने देखा ये सक्सेसफुली हमारा रन हो चुका है। मुझे पता है इसके अंदर 12 एलिमेंट होना है, 3 रो है, 4 कॉलम है, 3 4 12, तो 12 एलिमेंट इसके अंदर प्रिंट हो चुके हैं। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब अगर मैं इसको अगर ये कर दूं, कमेंट डाउन कर दूं ऐसे करके, ठीक। अब मैं पता करना चाहता हूं कि इसके अंदर कितनी रोज है, तो मुझे पता है सी आउट, अगर मुझे रो पता करनी हो कितनी हो है, मुझे दिख रहा भैया यहाँ पे 3 रो है, 4 कॉलम है, मान लो नहीं पता, ठीक। तब मैं इसको कैसे करा सकता हूं कि रोज इक्वल टू, या फिर इक्वल टू ऐसा करके लिख देता हूं। मैंने बोला था मैट्रिक्स डॉट साइज करके आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी रोज हैं, और कॉलम पता करना हो तो मैट्रिक्स 0 डॉट साइज करके आप कॉलम को भी पता कर सकते हो। ये भी लिख दो कॉलम्स, ठीक है। हाँ जी भैया मैट्रिक्स 0 डॉट साइज, इनसे मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। इसके बीच में एक सी आउट एंडल लिख देता हूं ताकि अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो। इसको रन कर लेता हूं और मेरे पास आ चुका आंसर कि इसमें 3 रो और 4 कॉलम्स हैं। इस तरीके से मेरा 2D वेक्टर काम करता है। क्रिएट मैं उसको ऐसे कर सकता हूं। अब बाकी जो नॉर्मल हम इनपुट इसके अंदर वैल्यूज डालती हैं, जैसे हम नॉर्मल उसको करते हैं वैसे हम यहां पे भी कर रहे होते हैं। क्लियर है? हाँ जी। अगर मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से पूछूं कि इसका साइज कितना होना चाहिए, कि इसमें कितनी रोज कितनी कॉलम होनी चाहिए, वो भी मैं इजिली कर सकता हूं। इंटीजर n, m 2 वेरिएबल ले लेता हूं, ठीक, और यूजर से पूछ देता हूं कि उसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स होंगे। n बताएगा कितनी रोज, m बताएगा कितने कॉलम। तो इसी जगह मैं n लिख सकता हूं और इसकी जगह में मैं m लिख सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब मैं यूजर से पूछ रहा हूं तो इसको कमेंट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब मैं यूजर से पूछ रहा हूं यहां पे एक स्टेटमेंट डाल देते हैं, सी आउट एंटर रोज एंड कॉलम, यूजर मुझे बता देगा कितनी रोज और कितनी कॉलम है। एनएम में वैल्यू आ गई है, मेरा ये क्रिएट हो चुका है। ठीक, उसके बाद मैं चाहता हूं कि यूजर खुद से इसके अंदर वैल्यूज डाले। ठीक है, मैं यूजर से लेना चाहता हूं, तो सिंपली मैं क्या कर लूंगा, लूप चला दूंगा। आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसी मैं इस पे भी कर रहा हूं। इंटीजर जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन एम, क्योंकि वो कॉलम को दिखा रहा है, और सी इन कल लिख दूंगा, उसके अंदर एलिमेंट को डाल दूंगा। मैट्रिक्स आई और जे के अंदर वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जब उनके अंदर वैल्यू आ गई तो मैं उनको प्रिंट भी करवा सकता हूं। तो नेक्स्ट लाइन में मैं उनको प्रिंट करवा रहा हूँ ऐसे करके। इसको थोड़ा बेटर वे में हम ले सकते हैं। यहाँ पे सी इन की जगह सी आउट कर दूंगा, जो वैल्यूज उसके अंदर प्रेजेंट है। हाँ जी भैया, और इनके बीच में स्पेस भी दे दूंगा, ये इस टाइप से। जब ये खत्म हो जाएगा तो सी आउट एंडल कर दूंगा। नेक्स्ट लाइन पे आप चले जाइए, इस टाइप से। क्लियर है? हाँ जी भैया, मैं यूजर से भी इनपुट ले सकता हूं। इसको रन करा, वो मुझे पूछेगा कितनी रोज और कितने कॉलम तुम्हें चाहिए, तो मैं कह रहा हूं 3 रो दे दे और 4 कॉलम दे दे। ठीक, अब वो चाहिए उससे वैल्यू। अब वो मुझे 12 वैल्यू उसके अंदर डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मान लो मैंने डाल दिया 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 वैल्यू मैंने उसके अंदर डाल दिए। तो देखो 2, 3, 1, 4, 5, 5, 4, 1, 8, 9, 10, 11 मेरे उसके अंदर आ चुका है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने 2D वेक्टर को क्रिएट करना सीख लिया। उसको अंदर में अगर मुझे कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करना है किसी चीज से, तो मुझे वो करना भी आ गया। यूजर से इनपुट कैसे लेना है, मुझे वो भी करना आ चुका है। अभी 2D वेक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें और होती हैं, लेकिन अगर मैं अभी आपको वो सारी चीजें सिखा दूंगा तो शायद बहुत सारी चीजें आपके सर के ऊपर से चली जाएंगी। मैं नहीं चाहता वो हो हमारे साथ। तो जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को और करते जाएंगे, मैं आपको 2D वेक्टर, 3D वेक्टर सबके बारे में बताता जाऊंगा। वो आपके लिए स्मूथ बनती जाएंगे, क्योंकि जब हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज की, तभी मुझे पता चलता है कि भैया अच्छा इस चीज की रिक्वायरमेंट इसलिए थी। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अभी हम एड्रेस वगैरह पढ़ेंगे, उसमें हम 2D वेक्टर को और ज्यादा डिटेल में जानेंगे। चलिए हम वापस चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की ओर। अब हमने इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट देख लिया है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यार मेरा जो 2D एरे है वो कैसे क्रिएट होता है, बहुत सारे 1D एरे से मिलके एक 2D एरे क्रिएट होता है, वैसे ही बहुत सारे 1D वेक्टर से मिलके भी आप एक 2D एरे को, सॉरी 2D वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। सेम चीजें हैं, जैसे हम 2D एरे को फॉलो कर रहे हैं वैसे ही हम 2D वेक्टर को फॉलो कर रहे होंगे सेम प्रोसेस के साथ। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो। हाँ जी भैया, अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर। मान लीजिए पहला है हमारा प्रॉब्लम वेब फॉर्म, वेब का फॉर्म। वेब फॉर्म प्रॉब्लम क्या कहती है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी आपको इस तरीके से। हाँ जी, वो कह रहा है इसको आपको प्रिंट कराना है। ठीक, तो प्रिंट ऐसे कर रहा है वेब की फॉर्म में। वेब कैसे चलती है, ऐसे चलती ना, ऐसे चलती ना वेब। तो कह रहा है कि इसी फॉर्म में आपको प्रिंट करवाना है। क्लियर है कि ऐसे करके चलती ना, ऐसे 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 ऐसे। हाँ जी, तो ऐसे इसको प्रिंट कराना है कि पहले मैं 3, 7, 9, 17, फिर मैं 8, 3, 8, 6, फिर मैं 4, 11, 25 और फिर 9, 1, 5, 2, ऐसे करके मैं इसको प्रिंट कराऊं। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है कि मुझे ये प्रिंट कराना है स्क्रीन में कि पहले 3, फिर 7, फिर 9, फिर 17, फिर मैं वेव नीचे आई ऊपर को जाएगी 8, 3, 8, 6, 8, 3, 8, 6। अब आप ऊपर आ गए, फिर 4, 11, 25, 4, 11, 25, आप नीचे आ चुके हैं, फिर 9, 1, 5, 2, 9, 1, 5, 2, ये आपको प्रिंट कराना है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। कैसे करोगे, पॉज करो, सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा। आई थिंक आपने सोच लिया होगा कि यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भैया यार ये दिखने में ना थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है, खतरनाक सा लग रहा है। तो यार मैंने कहा ये सिर्फ दिखने में खतरनाक है। किसमें? दिखने में खतरनाक है बस, बाकी है ये इजी। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक, हाँ जी, और यहां पे मैं वैल्यू को डाल देता हूं। क्या कहता है इसमें, 3, 7, 9, 3, 4, 11, 12, 5, ऐसे करके चलो मान लेते हैं यही था। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे, देखो एक काम करते हैं, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। अब इसमें ये बोल क्या रहा है पहले वो समझते हैं। ठीक, मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम वाइज प्रिंट कर रहा हूं कि पहले मैं फर्स्ट कॉलम को प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे करके प्रिंट किया। जब मैं इसको इस पर आया तो मैंने इसको ऊपर में प्रिंट करा। ठीक, फिर मैं इस कॉलम पे आया तो मैंने इसको ऐसे करके प्रिंट कराया। फिर मैं इस पे आया तो मैंने इसको ऐसे करके प्रिंट किया। यही किया ना कि पहले वाले को मैंने ऐसे करके प्रिंट किया। कॉलम ही प्रिंट करना है, हमने देखा हम कॉलम को प्रिंट कर सकते हैं। हाँ जी, बस डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। कि जब मैं इस पे हूं तो मैं नीचे को प्रिंट कर रहा हूं, जब मैं अगले वाले पे हूं तो मैं ऊपर को प्रिंट कर रहा हूं, फिर मैं अगले वाले पे नीचे को प्रिंट कर रहा हूं, फिर अगले वाले पे ऊपर को प्रिंट कर रहा हूं। यही हो रहा है। हाँ जी, अगर मैं ध्यान से एनालाइज करूं, ध्यान से, जब भी मेरा ये कॉलम का नंबर है, ये जब इवन है, कौन, जब मेरा कॉलम इवन है, ठीक, तो मैं अप से डाउन जा रहा हूं, ऊपर से नीचे को प्रिंट कर दूं, यही कर रहा हूं। हाँ जी, और जब मेरा कॉलम नंबर ऑड है, तो मैं प्रिंट कर रहा हूं डाउन से अप। ये मैंने एनालाइज किया। कर रहे नहीं कर रहे? हाँ जी भैया, कि जब मैं इस वाले पे हूं तो मैं, ये मैंने देखा जीरो क्या आता है, इवन है, तो ऊपर से नीचे को प्रिंट करो। मैंने देखा ऑड है तो भैया नीचे से ऊपर को प्रिंट करा, इवन है ऊपर से नीचे, ऑड है नीचे से ऊपर। बना कुछ लॉजिक? हाँ जी भैया, ये मैंने एनालाइज करा है सिंपल सा। अब मुझे यहां पे सिंपल ही क्या करना है, पहले मैं इस कॉलम पे जाऊंगा प्रिंट करा दूंगा, फिर इस कॉलम पे जाऊंगा प्रिंट करा दूंगा, इस कॉलम पे जाऊंगा प्रिंट करा दूंगा, इस कॉलम पे जाऊंगा प्रिंट करा दूंगा, यही बोल रहा हूं। हाँ जी भैया, यही बोल रहा हूं। तो मैंने कहा एक एक करके सारे कॉलम पे चलते हैं, ठीक। तो मैं लिख देता हूं इंटीजर जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन कब तक मेरे कॉलम जे प्लस प्लस, और बोल रहा हूं प्रिंट द कॉलम, ऐसे कुछ मैं बोल रहा हूंगा, यही कर रहा हूं कि जे इक्वल टू 0 से जे जब तक लेस देन, पहले इसको फिर इसको फिर इसको इसको, प्रिंट द कॉलम, को प्रिंट करो, ठीक। अब यहां पे मुझे कुछ कंडीशन लिखनी पड़ेगी। हाँ जी भैया, लिखनी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या होगी, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ जी, अब सही है। अब मैंने कहा यहां पे कुछ कंडीशन मुझे लिखनी पड़ेंगी। हाँ जी, मुझे पता है कि अगर जे इवन है, ठीक है, अगर जे इवन है, इफ जे मॉड 2 इक्वल टू 0, तो मुझे प्रिंट कैसे करना है अपने कॉलम को, कैसे करना है, अप से डाउन, ऊपर से नीचे प्रिंट कर दो, यही है। हाँ जी भैया, और एल्स में लिख सकता हूं अगर ऑड है तो डाउन से आप प्रिंट कर दो। हाँ जी भैया, यही कर रहा हूं, यही तो कर रहा हूं। हाँ जी भैया, अब ऊपर से नीचे प्रिंट कैसे कर सकता हूं वो सोचते हैं। मुझे पता है कि जब मैं मान लू यहां पे हूं, ठीक, मुझे पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको प्रिंट करना है, ठीक, जब मैं यहां पे हूं, ठीक। अब मान लीजिए मुझे अप से डाउन जाना है, तो वो क्या करता है, अप से डाउन में क्या होता है कि भैया मुझे पता है कि इसका नाम क्या है 0 0, इसका नाम है 1 0, इसका नाम है 2 0, इसका नाम है 3 0। मैं देख पा रहा हूं जो मेरा कॉलम है, इस सेकंड वाला कॉलम को दिखाता है ना, कॉलम तो मेरा सेम रहने वाला है क्योंकि उस कॉलम को पूरा प्रिंट कराना है। चेंज कौन हो रहा है, सिर्फ मेरा रो चेंज हो रहा है, 0 1 2 3, रो ही चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ जी भैया, तो मैं बोल सकता हूं कि ऊपर से नीचे करके उसको प्रिंट करवा दीजिए आप। हाँ जी भैया, कि पहले किसको प्रिंट कराना है, एरे 0, और ये मैं कॉलम को जे मान लेता हूं, ठीक है, फिर एरे 1 जे, हाँ जी, फिर एरे 2 जे, जे की वैल्यू तो फिक्स है मेरी, जे की वैल्यू तो फिक्स है ना, कि इस कॉलम को प्रिंट कराना है, मैं देख रहा हूं जे फिक्स है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है 0 1 2 3। ये चेंज कहां तक जा रहा है, 0 1 2 और अप टू 3। मैं कह सकता हूं कि मैं रो के ऊपर इटरेट कर रहा हूं, कि पहले इस रो का ये वाला एलिमेंट, फिर इसको फिर इसको फिर इसको प्रिंट करो। हाँ जी भैया, तो मैं यहां पे लिख दूं, जब मुझे अप से डाउन प्रिंट कराना है, कि फॉर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन रो, हाँ जी भैया, आई प्लस प्लस लिख सकता हूं। हाँ जी, ऊपर से नीचे आ रहा हूं इसलिए 0 से लेकर रो तक, टी आउट कर दो किसको, जो भी मेरा ये आंसर होने वाला है, इसका नाम एरे मान लेते हैं, तो ARR आई जे को प्रिंट करवा दीजिए सिंपली। बोल सकता, नहीं बोल सकता? हाँ जी भैया, बोल सकते हैं, ठीक। अब जब मैं डाउन से अप जाता हूं, मैं कहां से, नीचे से ऊपर जा रहा हूं, नीचे से ऊपर जा रहा हूं, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 3 2 1 0, यहां तक ही जा रहा हूं। हाँ जी भैया, कि पहले थर्ड रो, फिर सेकंड रो, फिर फर्स्ट रो, फिर 0th रो, तो मैं उल्टे में जा रहा हूं। तो यहां पे लिख सकता हूं कि फॉर आई इक्वल टू, कहां से, रो माइनस 1 होगा, रो माइनस 1। हाँ जी भैया, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, क्योंकि लास्ट से शुरू करना है, नीचे से ऊपर जाना है, तो सी आउट कह सकता हूं एरे आई जे को प्रिंट करवा दीजिए, बस हो गया आपका सॉल्व। यही था आपका कोड, इतने इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया वेव के फॉर्म में, पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और वो कंडीशन मैंने इससे बना ली कि अगर मुझे ऊपर से नीचे जाना है तो इससे प्रिंट हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाना है तो वो इससे प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये मुझे क्लियर है। अब इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, कितनी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बताइए, गेस करिए। मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, हाँ जी भैया, फिर नीचे से ऊपर जा रहा हूं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने पूरा जो मेरा ये है मैट्रिक्स या फिर जो मुझे 2D एरे दे रखा है, इसके मैंने सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। हाँ जी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकता हूं कि रो इनटू कॉलम। कितनी रोज थी, कितनी रो है, 4 रो थी, 4 कॉलम थे, मैं बोल सकता हूं कि सबको मैंने एक्सेस किया 4 into 4 16। हाँ जी, तो जितनी रो उतनी कॉलम मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, कितनी रो थी, कितनी कॉलम थी, उनको मल्टीप्लाई, सबको एक्सेस किया ना मैंने, सारे ब्लॉक को। कितने ब्लॉक थे, रो इनटू कॉलम के बराबर ब्लॉक है। हाँ जी भैया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं कितनी होगी, क्या मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है, कोई मैंने नया एरे क्रिएट किया है, सिर्फ यही एरे मुझे गिवन था, इसके अलावा कुछ भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोले तो ऑक्सिलरी स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा अपना ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। क्लियर है? हाँ जी, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है कि भैया मैं कितने बॉक्स के ऊपर गया, तो लगभग मैं सारे बॉक्स के ऊपर गया हूँ, सभी बॉक्स के ऊपर गया हूँ। अगर मैं सब बॉक्स के ऊपर गया हूँ तो बोल सकता हूँ कि कितने बॉक्स होंगे, रो इनटू कॉलम। ऐसे करके मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है। चमका? हाँ जी भैया चमका। तो चलो चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें मुझे वेब प्रिंट करनी है। किसको? वेब को प्रिंट करो। अब इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट कराऊंगा वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास मेरी रो दे रखी है, रो और कॉलम दे रखा है, एक एरे मुझे गिवन है, उसके मुझे क्या बनाना है, प्रिंट करना है, वेब को प्रिंट करना है। कि मतलब पहले मैं फर्स्ट कॉलम को प्रिंट करूंगा ऊपर से नीचे, फिर सेकंड कॉलम को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो नीचे से ऊपर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे फंक्शन कॉल लगा देता हूँ, फंक, और वहां पे इसको पास कर देता हूं। तो अब मैंने एरे 1 को पास कर दिया, उसके साथ ही उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं वो भी मैंने पास कर दिया। इसका नाम वरना वे भी रख देते हैं। हाँ जी भैया, अब मैं यहां पे उसको बना दूंगा सिंपली। अब वाइड वेब को मुझे प्रिंट करना है। इंटीजर एरे का नाम, कितने कॉलम है वो मुझे यहां पे लिखने पड़ेंगे, इंटीजर रो और इंटीजर कॉलम। इस तरीके से मैंने इनको लिख दिया। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, पहले फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, एक एक करके हर एक कॉलम पे जाना पड़ता है। तो इंटीजर जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन कब तक, हर एक कॉलम पे मुझे एक एक करके जाना है, और जे प्लस प्लस। हाँ जी भैया, मुझे पता है अगर मेरा कॉलम कौन, मेरा जे अगर इवन आता है तो मुझे ऊपर से नीचे प्रिंट कराना है, और आता है तो नीचे से ऊपर प्रिंट कराना है। तो मैं सिंपली यहां पे वो कर रहा हूं। तो कि इफ क्या मेरा जे मॉड 2 इक्वल टू 0 आए, मतलब इवन आए, जब वो इवन आता है तो मुझे पता है मुझे ऊपर से नीचे की ओर ही इसको प्रिंट करवाना है सिंपली। तो यहां पे मैं सिंपली फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 से i लेस देन रो i प्लस प्लस। क्लियर है? हाँ जी, तो सी आउट कर दूंगा अपने एरे आई जे को इस तरीके से। सिंपल है? हाँ जी भैया सिंपल है। इस तरीके से इसने प्रिंट कर दिया। मुझे पता है जब वो ऑड साइज का होगा, क्या से ऑड साइज का, ठीक है, जब जे की वैल्यू ऑड होगी तो वो नीचे से ऊपर प्रिंट कराएगा। तो एल्स में मैं वही कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने इसको कॉपी किया और यहां पे इसको पेस्ट कर दिया कि i इक्वल टू कहां से स्टार्ट होगा, रो माइनस 1 से, लास्ट वाली रो से स्टार्ट होगा, कब तक, जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे और i माइनस माइनस। इस तरीके से इसको प्रिंट कर देगा। सिंपल है? हाँ जी भैया सिंपल है। इसको अगर मैं रन करूं तो भैया हमारा आंसर आ चुका है 1 5 9 10 6 2 3 7 11 12 8 4। तो भैया हमने उसको अच्छे से प्रिंट कर दिया है इस वाले को। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये भी मुझे अच्छे से क्लियर है। जो हमने यहाँ पे लिखा उसको हमने इजिली यहाँ पे भी प्रिंट करवा दिया। तो बताइए चमका या नहीं चमका? हाँ जी भैया, अब हमें सब कुछ अच्छे से चमक चुका है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्पाइरल फॉर्म। जी हाँ, स्पाइरल फॉर्म। पहले स्पाइरल फॉर्म क्या होती है पहले उसको समझते हैं। देखो स्पाइरल फॉर्म कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे 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 ऐसे। ये देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, आपकी जिंदगी भी शायद ऐसी ही चल रही होगी, पता नहीं चल रहा कहाँ जाना है पर चल रहे हैं, ऐसी होता है। हाँ जी, मैंने कहा वैसे ही इसको मुझे प्रिंट भी करना है। आपके पास एक मैट्रिक्स होगी गिवन, ठीक है, उसमें रोज होंगी और उसमें कॉलम होंगे, एन रोज एम कॉलम्स उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक। इसको ऐसे ही प्रिंट करना है। मैं अगर यहां से बात करूं तो पहले मैं 1 2 3 4 5 6 को प्रिंट करूंगा, फिर मैं 12 18 24 30 36 को प्रिंट करूंगा, फिर 35 34 33 32 31 को प्रिंट करूंगा, फिर 25 19 13 7 को प्रिंट करूंगा। यहां तक क्लियर है? हाँ जी भैया, यहां तक मुझे क्लियर है। ऊपर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं। अब देखो, अब मुझे 8 9 10 11 को प्रिंट करना है, फिर 17 23 29 को प्रिंट करना है, फिर 28 27 26 को प्रिंट करना है, फिर 20 14 को प्रिंट करना है। ये मैं प्रिंट कर चुका हूं। फिर मुझे 15 16 को प्रिंट करना है, फिर 22 को प्रिंट करना है और फिर 21 को प्रिंट करना है। अब मेरे सारे एलिमेंट प्रिंट हो चुके होंगे। तो ये दिख रहा है आपको स्पाइरल फॉर्म में ऐसे फॉर्म में मुझे आंसर को निकालना है। कैसे निकाल पाओगे भैया? इस जन्म में तो नहीं निकलेगा, 4 जन्म लेने पड़ेंगे शायद तब ये निकल सकता है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, करना है सॉल्व। हाँ जी भैया चलो करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करना है? देखो पहले इसका कुछ मेथड बनाते हैं, कुछ लॉजिक वगैरह क्रिएट करते हैं, फिर इसका कोड वगैरह हम यूं लिख देंगे। देखो पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे टॉप वाले को प्रिंट करवा दूं, यही बोल रहा हूं, सबसे टॉप वाला जो होगा। हाँ जी, फिर जो उसका राइट वाला साइड होगा उसको प्रिंट करा दो। हाँ जी, फिर जो बॉटम वाले हैं उनको प्रिंट करवा दो। हाँ जी, और फिर जो लेफ्ट में हैं बचे हैं उनको प्रिंट करा दो, यही बोल रहा हूं। हाँ जी, फिर मैं बोल रहा हूं अब जो टॉप है उसको प्रिंट करवा दो, अब जो राइट साइड में बचे हैं उनको प्रिंट करवा दो, है ना, और जो अब बॉटम में बचे हैं उनको प्रिंट करवा दो, यही बोल रहा हूं। हाँ जी, फिर अब जो लेफ्ट में बचे हैं उनको प्रिंट करा दो, ठीक, फिर टॉप वालों को प्रिंट करा दो, फिर राइट वालों को प्रिंट करा दो, फिर बॉटम वालों को प्रिंट करा दो। अब किसी को प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब प्रिंट हो चुके हैं, यही कर रहा हूं। हाँ जी भैया यही कर रहे हैं। तो इसको एक बार हम देखते हैं, जो अभी हमने बोला, जो मैंने बोला वही मुझे यहां पे करना है कि भैया सबसे पहले टॉप वालों को प्रिंट कराओ। तो इसको मैं नाम दे देता हूं टॉप, ठीक। फिर मैं बोल रहा हूं कि अब राइट वालों को प्रिंट करा दो, किसको? राइट साइड वालों को। तो इसको मैं राइट नाम दे देता हूं, क्लियर। हाँ, कि उसके बाद राइट वालों को प्रिंट कराना है, ठीक। उसके बाद बॉटम वालों को, तो बॉटम में इसको नाम दे देता हूं, और जब मैं ये सब प्रिंट करा लूंगा तो अब मुझे लेफ्ट वालों को प्रिंट कराना है, तो लेफ्ट में इसको बोल देता हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया ये क्लियर है कि पहले टॉप को, फिर राइट को, फिर बॉटम को, और फिर लास्ट में लेफ्ट वालों को प्रिंट कराओ। टॉप रो प्रिंट कराओ, राइट मोस्ट कॉलम प्रिंट कराओ, बॉटम वाला रो प्रिंट कराओ, लेफ्ट वाला कॉलम प्रिंट कराओ, यही बोल रहा हूं। हाँ जी भैया यही बोल रहा हूं। मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूं वही मुझे करना है, डिक्टो, ठीक। जब मैंने ये एक बार स्टेप पूरा कर लिया, फिर से मैं सेम कहानी, अब मेरे लिए टॉप हो जाएगा ये कि टॉप वालों को प्रिंट कराओ, राइट वाला ये हो जाएगा राइट वालों को प्रिंट कराओ, बॉटम वालों को प्रिंट कराओ, और फिर लेफ्ट वालों को। जब वो खत्म हो गया, अब नया टॉप कौन सा? ये 15, 16, फिर नया राइट 22, फिर नया बॉटम 21। इस तरीके से मुझे बार बार वही चीजें बार बार करनी है। तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे ऐसे ये पैटर्न फॉलो करना है, पहले टॉप, फिर राइट, ठीक, फिर बॉटम, और फिर लेफ्ट। बोल सकता हूं कि यही पैटर्न मैं बार बार फॉलो कर रहा हूं। हाँ जी भैया, मतलब टॉप रो को, ये रो को ही दिखा रहा है कि टॉप रो को प्रिंट कराओ, ये कॉलम को दिखा रहा है कि राइट कॉलम को प्रिंट कराओ, ये बॉटम रो को प्रिंट कराओ। हाँ जी भैया, और ये लेफ्ट कॉलम को प्रिंट कराओ, यही बोल रहा है। नहीं बोल रहा है कि टॉप रो को प्रिंट कराओ, राइट कॉलम को प्रिंट कराओ, बॉटम रो को प्रिंट कराओ, लेफ्ट कॉलम को प्रिंट कराओ। हाँ जी, अब देखो मैंने टॉप को यहां पर रखा है तो मैं यहां पर भी वही लिख दे रहा हूं, सिंपल था कि टॉप इक्वल टू 0, ठीक। राइट कहां पे? यहां पे, तो राइट को यहां पे। बॉटम कहां पे? सबसे लास्ट में, ठीक। तो बॉटम रो ये हो जाएगी, और लेफ्ट कॉलम ये रहा, मतलब 0, ठीक है। लेफ्ट कॉलम यही है ना आपका, ये वाला, तो इसका नाम है 0। राइट कॉलम ये है तो इसका नाम 5। टॉप रो ये है तो 0, बॉटम रो ये है तो ये। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, मैंने कहा जो मैंने वहां पर बोला वही मैं करने वाला हूं, जो मैंने बोला, ठीक। अब मैं बोल सकता हूं, अब मैं टॉप रो को प्रिंट कैसे कराऊंगा वो देखते हैं। टॉप रो को मैं प्रिंट कैसे कराऊंगा? मुझे यहां से लेके यहां तक वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया टॉप रो को प्रिंट कराओ, टॉप रो को प्रिंट कराओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक जितनी भी वैल्यू आपकी प्रेजेंट है उस कॉलम में सबको प्रिंट करा दो, बोल सकता हूं। हाँ जी भैया बोल सकता हूं। मैं बोला टॉप किसको प्रिंट कराना? रो को। कहां से कहां तक? लेफ्ट से लेकर राइट तक, लेफ्ट से लेकर राइट तक। किसको प्रिंट कराना है? इसको। मैं बोल रहा हूं लेफ्ट से लेकर राइट तक प्रिंट कराना है, और कौन सी रो को कराना है? इस रो को कराना है। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रिंट हो सकते हैं। हाँ जी भैया हो सकते हैं। तो मैंने कहा मैं वही कर रहा हूं। तो एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। हाँ जी भैया, और थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूं। अब ये शायद बेटर दिख रहा होगा। क्लियर है? हाँ जी भैया अब क्लियर है। अब मैं यहां पर कोड लिखना शुरू करता हूं। पहले टॉप वाले को प्रिंट कैसे कराऊंगा? तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि फॉर, ठीक है, मुझे कहां से कहां तक? 0 से लेके 5 तक प्रिंट कराना है, ठीक है, लेफ्ट से लेके राइट तक, ठीक है, कि पहले इसको 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 प्रिंट कराना है, ठीक है। तो एक इंटीजर j इक्वल टू लेफ्ट से लेके j जब तक लेस देन इक्वल टू है मेरा राइट, j प्लस प्लस, यहां तक आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं कि सी आउट प्रिंट करा दो ARR, अगर इसको ARR नाम दो या फिर इसको मैट्रिक्स नाम दे देते हैं, सबसे बढ़िया मैट्रिक्स इसको नाम दे देता हूं, इसका नाम मैट्रिक्स है, ठीक। हाँ जी भैया, तो मैट्रिक्स का टॉप वाले को प्रिंट कराना है, रो का नाम टॉप है और कॉलम का नाम जे, यही होगा हाँ जी, क्योंकि टॉप की वैल्यू क्या है 0 और लेफ्ट कहां से शुरू हो रहा है 0 से लेके कहां तक 5 तक बोल सकता हूं हाँ जी भैया। तो पहले 00, 01, 02, 03, 04, 05 यहां तक प्रिंट करा दो तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई है। क्लियर है हाँ जी भैया, ये मुझे क्लियर हो चुका है। अब आपका ये वाली रो सॉर्टेड है, ठीक है, टॉप वाली रो में प्रिंट करा चुका हूं, अब मैं उसे प्रिंट करा चुका हूं तो अब मेरी नया टॉप कौन सा होगा बताइए भैया, डेफिनेटली उसके नीचे वाला होगा है ना हाँ जी भैया। तो अब मैं अपने टॉप को यहां पे लेके आ गया क्योंकि मुझे पता है अब मुझे इस वाले को देखने की जरूरत नहीं है, और राइट वाले को मुझे अब कहां से प्रिंट कराना है 12, 18, 24, 30 और 36 इसको मुझे प्रिंट कराना है। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं कि टॉप से लेके बॉटम तक मुझे प्रिंट कराना है और कौन से कॉलम को कराना है, कॉलम होगा ये वाला हाँ जी भैया। तो मैं सेम कहानी यहां पे लिख रहा हूं कि फॉर इंटीजर आई इक्वल टू कहां से टॉप से लेके कहां तक प्रिंट कराना है आई लेस देन इक्वल टू बॉटम तक। यहां पे मैं वो करना भूल गया था टॉप प्लस प्लस, जब मैंने ये कर दिया क्योंकि टॉप को एक आगे लाना था तो टॉप को मैंने प्लस प्लस कर दिया, एक आगे ले आओ, पहले यहां पे था अब यहां पे ले आओ, तो जैसे ये कंप्लीट हो टॉप को एक आगे ले आया। आई लेस देन इक्वल टू बॉटम आई प्लस, यही करूंगा हाँ जी भैया यही करेंगे। तो सी आउट किसको कर दू, मैट्रिक्स के नाम क्या होगा आई इंटू जो मेरा राइट वाला होगा, यही होगा हाँ जी भैया, यही होगा नहीं होगा हाँ जी भैया। मैं क्या कह रहा हूं टॉप से लेके बॉटम तक इस वाले कॉलम को प्रिंट करना है, ठीक है, कॉलम तो राइट है ठीक है, पर ये टॉप से लेके बॉटम तक मुझे इटरेट करना पड़ेगा, टॉप से लेके बॉटम तक मुझे इटरेट करना पड़ेगा, और कौन से वाले कॉलम को प्रिंट करना है राइट वाले को, उसने प्रिंट कर दिया। अब अभी तक मेरी ये वाली वैल्यू, इसको थोड़े अलग कलर से लिखते हैं, मुझे पता है ये वाली वैल्यूज मेरी प्रिंट हो चुकी है। ठीक, अब मेरी ये वाली वैल्यूज भी प्रिंट हो गई होंगी, हो गई होंगी हाँ जी भैया, ये भी मेरी प्रिंट हो गई होंगी। अब जब ये प्रिंट हो गई तो स्क्रीन में ऐसा दिख रहा होगा 12, 18, 24, 30 और 36 ऐसी दिखेगा हाँ जी भैया, ऐसी दिखेगा। ये मेरा प्रिंट हो चुका है, मैं टॉप वाले को प्रिंट करा चुका हूं, राइट वाले को प्रिंट करा चुका हूं। जब राइट वाले प्रिंट हो गया तो नया राइट कौन सा होगा, डेफिनेटली इधर वाला होगा नया राइट हाँ जी भैया। तो मैंने अपने नए राइट को इधर को खिसका दिया कि अब मेरा नया राइट ये रहा, या फिर ऊपर से भी खिसका सकता हूं, किधर से भी खिसका दो, बस इंडिकेट कर रहा हूं ऊपर से खिसका दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अब मेरा नया राइट ये रहा। क्लियर है हाँ जी भैया, ये क्लियर है, नया राइट इधर को, तो राइट को क्या करना पड़ेगा माइनस माइनस हाँ जी भैया। क्लियर है हाँ जी। अब मुझे किसको प्रिंट करना पड़ता है, उसके बाद बॉटम को प्रिंट करना पड़ता है, कहां से यहां से लेके यहां तक 35, 34, 33, 32, 31 तक। ठीक है, बोल सकता हूं कि राइट से लेके लेफ्ट तक प्रिंट करना है किसको, अपने बॉटम वाली रो को, यही बोल रहा हूं हाँ जी। तो भैया वही मैं लिख रहा हूं कि फॉर इंटीजर जे इज इक्वल टू कहां से राइट से लेके जब तक मेरा जे क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है लेफ्ट के बराबर, जे माइनस माइनस कि पहले इसको प्रिंट करेगा फिर इसको फिर इसको इसको इसको, डिक्रीज होते हुए आ रहा है ना जे, अगर जे को मैं ये बोल दूं जे इज इक्वल टू कितना है 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 0, वही है हाँ जी। यहां पे भी इनको मैं चेंज करते हुए चलता हूं, ये 1 हो चुका है और राइट वाला मेरा कितना हो चुका था 4 हो चुका था। ठीक, इसको मुझे प्रिंट करवाना है तो सी आउट कौन सी रो को प्रिंट कराना है बॉटम वाली को, तो नाम हो जाएगा उसका बॉटम हाँ जी भैया, और कौन सा वाला था ये जे के ऊपर में इटरेट कर रहा था। क्लियर है हाँ जी, तो ये मेरा प्रिंट करा देगा हाँ भैया करा देगा, क्योंकि पहले ये 54 को प्रिंट कराएगा तो 54 में मुझे दिख रहा है ये है क्या लिखा वहां पे 35 ठीक है, फिर उसको इसको प्रिंट कराएगा तो ये है 34 फिर 33 फिर 32 फिर 31 यहां 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 यहां। क्लियर है हाँ जी भैया, बॉटम वाला भी मेरा अब प्रिंट हो चुका है, ये वाला भी मेरा प्रिंट हो चुका है। जब ये आपका प्रिंट हो गया ठीक, अब मैं बोलूंगा बॉटम, अब मेरा नया बॉटम बनेगा, नया बॉटम बनेगा, नया बॉटम कहां आएगा ऊपर को आएगा हाँ जी भैया ऊपर को आएगा। तो मैंने बोला अब अपने बॉटम को एक ऊपर ले जाइए, अब मेरा ये नया बॉटम है। क्लियर है, क्योंकि इसको तो मैं करा चुका हूं हाँ जी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि बॉटम माइनस माइनस हाँ जी भैया, तो बॉटम बन गया मेरा कितना 5 से 1 डिक्रीज करूंगा तो और। क्लियर है हाँ जी भैया, क्लियर है। अब मैं बॉटम वाला भी प्रिंट करा चुका हूं, अब मुझे किसको प्रिंट कराना है, इसको 25, 19, 13, 7 बोल सकता हूं बॉटम से लेकर टॉप तक प्रिंट कराओ, क्योंकि रिवर्स पे कराना पड़ेगा ना हाँ जी भैया। तो मैं वही मुझको बोल रहा हूं कि इस वाले को प्रिंट कराओ, ठीक, इस वाला जो कॉलम है इसको प्रिंट कराना है मुझे, तो लिख सकता हूं जब इस कॉलम को मुझे प्रिंट कराना है तो इंटीजर आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बॉटम से शुरू होगा, हाँ जी भैया बॉटम से शुरू होगा। कब तक? जब तक मेरा आई क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, मेरे टॉप से, आई माइनस माइनस। क्लियर है? टी आउट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, मैट्रिक्स। हाँ जी भैया क्या लिखूं यहां पे, आई से लेके कहां तक, मेरे लेफ्ट पे, क्योंकि वो कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है। और जब मैं ये भी प्रिंट कर दूंगा उसके बाद मैं बोलूंगा मैंने लेफ्ट इधर को शिफ्ट हो चुका है, तो लेफ्ट को कर दूंगा माइनस माइनस। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो अब मैंने इसको भी प्रिंट कर दिया है, यहां से लेके यहां तक। क्लियर है? हाँ जी भैया ये भी मुझे क्लियर हो चुका है। तो इसका आउटपुट कैसे दिखेगा कि मैंने 25, 19, 13 और 7 को प्रिंट कर दिया। ये चीजें मैंने कर दी। अब सेम प्रोसेस फिर से मुझे फॉलो करना है, सेम काम, अब इसी को दोबारा करना है। अब मैं सेम बोलूंगा कि पहले टॉप वाले को प्रिंट करा दो, कहां से कहां तक, ठीक। अब मुझे पता लेफ्ट यहां पे आ चुका है, ठीक, टॉप वाले को प्रिंट कराना है, कहां से कहां तक, टॉप वाले को ये रहा है लेफ्ट से लेकर राइट तक, लेफ्ट से लेकर राइट तक। तो मैंने उसको प्रिंट करा दिया 8, 9, 10, 11, ये मेरा प्रिंट हो चुका है। क्लियर है? क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। जैसे ही प्रिंट हो गया मैं क्या बोलता हूं, टॉप को एक आगे ले जाइए, ठीक। हाँ जी, तो टॉप की वैल्यू हो गई मेरी 2, लेफ्ट मेरा 1 हो चुका है, ठीक। हाँ जी भैया जब मैंने टॉप को प्रिंट करा दिया मेरा नया टॉप ये दिखा रहा है। ये पुराने वालों को मिटाते चलता हूं वरना कंफ्यूजन होगा, है ना। हाँ जी भैया, और इसको भी हटा दो। हाँ जी ठीक, अब ये मेरा हो चुका है, ये वाला प्रिंट हो चुका है। अब मुझे किसको प्रिंट कराना है, ये प्रिंट हो गया। अब 17, 23 और 29 को प्रिंट कराना है। बोल सकता हूं सेम कहानी कि टॉप से लेके बॉटम तक वालों को प्रिंट कराओ, टॉप से लेके बॉटम तक वालों को प्रिंट कराओ। कौन सा वाला, राइट मोस्ट वालों को, राइट मोस्ट वालों, ठीक। जब वो प्रिंट करा देगा इसको 17, 23, 29 प्रिंट करा दिए। हाँ जी मजा आ गया उसे भी, हाँ जी भैया उसे भी मजा आ चुका है। ये भी मेरे प्रिंट हो गए 17, 23, 29। क्लियर है? हाँ जी, जब ये प्रिंट हो गए तो मैं बोल दूंगा कि राइट वाले अब सब प्रिंट हो चुके हैं, अब मेरा राइट मोस्ट एक आगे खिसक जाएगा इधर को, तो अब राइट इस पर आ गया, ठीक। हाँ जी भैया, तो राइट अगर मैं उधर को खिसकाता हूं तो राइट को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक से डिक्रीज। हाँ जी क्लियर। हाँ, अब मुझे किसको प्रिंट कराना पड़ता है, बॉटम वालों को, ठीक है। यहां तक प्रिंट हो चुका है 28, 27, 26, इसको प्रिंट कराना है। कहां से कहां तक कराना है भैया, मेरे राइट से लेके मेरे लेफ्ट तक, मेरे राइट से लेके मेरे लेफ्ट तक वालों को प्रिंट करवा दो। क्लियर है? उसने उसको भी प्रिंट करा दी। क्लियर है? हाँ जी, फिर बॉटम को एक से डिक्रीज कर दो। बॉटम को एक से डिक्रीज करूंगा तो बॉटम ऊपर को चला जाएगा, क्योंकि नीचे वाला बॉटम अब कंप्लीट हो चुका है। बॉटम इसको इंडिकेट करना है। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। जब मैंने बॉटम वालों को करा दिए, अब मुझे किसको कराना पड़ता है, लेफ्ट वालों को। लेफ्ट में कौन सी वैल्यू पड़ी है, ये पड़ी है 20 और 14, यही पड़ी है। हाँ जी, तो मैंने कहा 20 और 14 को प्रिंट करा दो, कहां से, बॉटम से लेके टॉप तक, बॉटम से लेके टॉप तक। तो मैंने उनको भी प्रिंट करा दिया 20 और 14। क्लियर है? हाँ जी, जब मैंने प्रिंट करा दिया तो मैं बोल दूंगा अब मेरा नया लेफ्ट यहां पे अपडेट हो जाएगा, बोल सकता हूं। हाँ जी भैया बोल सकते हो। फिर से ऊपर आया, फिर से सेम कहानी, इनको अपडेट करते हुए चलता हूं। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे करते करते मैंने कर दिया, ठीक। हाँ जी, अब मैं यहां पे आ गया। सबसे पहले वो क्या कहता है, टॉप वाले को प्रिंट करना, कहां से कहां तक, लेफ्ट से लेकर राइट तक, लेफ्ट से लेकर राइट तक, यही है, लेफ्ट से लेकर राइट तक प्रिंट कर दो। तो 15, 16 प्रिंट हो गया, ठीक। जैसे ही हो गया तो कहता है टॉप को एक से इंक्रीज कर दो, टॉप को एक से इंक्रीज कर दो। अब टॉप भी इसी को दिखा रहा है जिसको बॉटम दिखा रहा है, ठीक। हाँ जी, ये हो चुका है 3। अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ता है, ये मैंने कर दिया, यहां से यहां तक प्रिंट कर दिया। अब मुझे नीचे को प्रिंट करना है, तो सिर्फ मेरे पास एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, ठीक। तो मैं बोलता हूं टॉप से लेके बॉटम तक, टॉप से लेके बॉटम तक वालों को प्रिंट करा दो, टॉप से लेके बॉटम तक वालों को प्रिंट करा दो। तो उसने प्रिंट करा दिया किसको, 22 को। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। जब वो आपका प्रिंट हो गया उसके बाद मैं क्या बोलता हूं कि राइट को एक डिक्रीज कर दो, क्योंकि आप राइट मोस्ट ये था, अब इधर को शिफ्ट हो जाएगा। हाँ जी भैया, तो बोल सकता हूं कि अब राइट यहां पे इंडिकेट होगा। हाँ जी भैया, तो ये 2 बन गया। क्लियर है? हाँ जी, अब जब मैंने राइट वाले को कर दिया, अब मैं किसको करता हूं, बॉटम वाले को। बॉटम में अब सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, मैं कहां से कहां तक उसे प्रिंट कराता हूं, राइट से लेके लेफ्ट तक, राइट से लेके लेफ्ट तक, राइट और लेफ्ट एक को इंडिकेट कर रहे हैं। तो उसने सिर्फ 21 को ही प्रिंट करा है, 21 को ही प्रिंट करा है। अब बॉटम को भी एक से घटा दीजिए, अब वो 3 की जगह में आपका बन गया है। क्लियर है? हाँ जी भैया, अब बॉटम एक से डिक्रीज होकर ऊपर आ गया। क्लियर है? हाँ जी, अब मेरा लास्ट बचा है। लास्ट क्या कह रहा है कि आई इक्वल टू बॉटम से लेके टॉप तक वालों को प्रिंट करा दो, बॉटम से लेके टॉप वालों को प्रिंट करा दो। मुझे पता है ये वाली कंडीशन चलेगी ही नहीं, नहीं चलेगी। नीचे लेगी ना, क्यों मिलेगा आई इक्वल टू बॉटम वाली वैल्यू डालो और जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू टॉप हो। ठीक, बॉटम की वैल्यू कितनी है आपकी, टू है और राइट टॉप की वैल्यू क्या है, मतलब बॉटम क्या, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो आई के अंदर इनिशियली 2 आया। क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 3 से? नहीं, तो ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं और आप बाहर आ गए। अब मुझे पता है कि मैंने सारी वैल्यूज को प्रिंट करा लिया है, अब मुझे यहाँ पे सिंपली रुक जाना है। बोल दिया हाँ जी भैया, कर दिया तो बोल दिया। ठीक, लेफ्ट को भी मैंने अगर कुछ हुआ नहीं उसमें तो ये 2 से चेंज होकर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब मेरी स्टॉपेज कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसको कितनी बार चलाना चाहिए, तो मैंने अगर मैं ध्यान से गौर करूं, जैसे मेरा टॉप, ठीक है, जैसे मेरा टॉप बॉटम से बड़ा हो गया तो मैं स्टॉप हो गया, या फिर मेरा राइट और लेफ्ट में जैसे लेफ्ट बड़ा हो गया किससे, मेरे राइट से, तो मैं रुक गया क्योंकि मुझे पता लेफ्ट इधर को जा रहा है, राइट इधर को जा रहा है। जैसे लेफ्ट इसको पार कर देगा क्योंकि मुझे पता है वो इधर को आगे होगा, तो मुझे रुक जाना है। मुझे पता है टॉप नीचे को आ रहा है, बॉटम ऊपर को जा रहा है, जैसे बॉटम छोटा हो जाएगा टॉप से मुझे रुक जाना है। तो वही इसकी स्टॉपेज कंडीशन होने वाली है कि व्हाइल टॉप, ठीक है, लेस देन इक्वल टू हो बॉटम से, तब तक मुझे ये काम करना है, एंड मेरा लेफ्ट लेस देन इक्वल टू हो मेरे राइट से, यही काम करना है। ये जो मैं आपको यहां पे करवा रहा था, क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। ये चमका, हाँ जी भैया ये मुझे चमक चुका है। तो यही आपका कोड है, यही आपका कोड है, क्योंकि मुझे पता है वो ऐसे को आ रहा है टॉप, बॉटम ऊपर को जा रहा है, जैसे बॉटम टॉप को पार कर लेगा मुझे रुक जाना है, लेफ्ट इधर को आ रहा है, राइट इधर को आ रहा है, ठीक, जैसे लेफ्ट राइट को पार कर लेगा मुझे रुक जाना है। सिंपल है। यहां तक चमका नहीं चमका, हाँ जी भैया यहां तक मुझे अच्छे से चमक चुका कि कैसे इसको प्रिंट करवाना है। अब क्या हमने सारे एज केसेस हैंडल कर लिए हैं? यहाँ सारे एज केसेस हैंडल कर लिए, मैंने कहा अभी हमने सारे एज केसेस हैंडल नहीं किए। मैं अगर यहाँ पे आपको कंडीशन दिखवाऊं, मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ठीक है, डरो मत। मैंने कहा अभी हमने सारे टेस्ट केसेस हैंडल नहीं किए हैं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जब तक मेरा टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम है तब तक मुझे ये चलाना है। ठीक, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरा ये टॉप इंक्रीज हो रहा है, टॉप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टॉप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत हाई चांस है कि वो बॉटम को पार कर जाए, कर सकता है अंदर आके कि वो बॉटम को पार कर जाए। हाँ जी। और मैं अगर यहाँ पे नीचे देखूं, ये वाला, इस वाले स्टेप पे, यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि मैं बॉटम वाले को प्रिंट करा रहा हूँ। किस कंडीशन में प्रिंट करा रहा हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने यही कहा था ना, जब तक टॉप छोटा हो लेस देन इक्वल टू बॉटम से, तभी तक आपको ये काम करना है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जब मैं इस वाले को रन कर रहा था, इससे पहले ही टॉप बॉटम को इंक्रीज कर गया हो या उससे आगे चला गया हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता टॉप इंक्रीज हो गया होगा। यहाँ पे मैंने वो कंडीशन चेक नहीं करी, कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी थी जब तक टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम। जब मैं टॉप प्लस प्लस करूंगा तो बहुत हाई चांस है कि टॉप बॉटम से आगे निकल जाए, और जब वो आगे निकल गया तो मुझे इस वाले को नहीं चलाना, क्योंकि यहीं पे बॉटम को मैं एक्सेस कर रहा हूँ और कहीं पे बॉटम को एक्सेस नहीं कर रहा था, सिर्फ यहाँ पे एक्सेस कर रहा था। हो सकता है, हाँ जी, मतलब बॉटम को एक्सेस करना, उसको प्रिंट वगैरह कराना। भैया समझ नहीं आया, मैंने कहा एक काम कर, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके पास एक 1D एरे, मान लो एक एरे दे रखा है ऐसे, ठीक है, बोला इसको स्पाइरल फॉर्म में प्रिंट करके दिखाओ, स्पाइरल फॉर्म में प्रिंट करके दिखाओ। मैं क्या करूंगा, टॉप अब बॉटम दोनों यही होगा, हाँ जी भैया, लेफ्ट और राइट ये होगा, हाँ जी भैया, 0 1 2 3 4। सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, टॉप वालों को प्रिंट करा दो, टॉप वालों को प्रिंट करा दो, कहां से कहां तक, लेफ्ट से लेके राइट तक, यही बोल रहा था। तो मैंने 2 3 4 5 6 प्रिंट करा दिया। क्लियर है? जैसे ही मैं टॉप वाले को प्रिंट कराता था, मैं टॉप को एक से आगे बढ़ा देता था, अब टॉप नीचे को इंडिकेट करेगा, बोल सकता हूं हाँ जी। पहले स्टेप यही तो करता था मैं कि टॉप वाले को प्रिंट करा दो, ठीक है, टॉप वाले को प्रिंट करा दो, कहां से कहां तक, लेफ्ट से लेकर राइट तक, और टॉप को एक से इंक्रीज कर दो, मैंने कर दिया। क्लियर? हाँ। उसके बाद मैं किसको प्रिंट कराता था, राइट मोस्ट वाले को, किसको, राइट मोस्ट वाले को, कहां से कहां तक, टॉप से लेके बॉटम तक, टॉप से लेके बॉटम तक। सेकंड स्टेप क्या होता था, फर्स्ट स्टेप ये रहा, सेकंड स्टेप ये रहा, टॉप से लेके बॉटम तक कि आई इक्वल टू टॉप, आई लेस देन इक्वल टू बॉटम, ठीक है। तो मैंने देखा जब मैं इस स्टेप पे आऊंगा, वो कह रहा है टॉप से लेके बॉटम तक वैल्यू को प्रिंट कराओ जो राइट मोस्ट पे रखी गई है, तो वो कंडीशन चलेगी नहीं क्योंकि टॉप बड़ा हो चुका है बॉटम से, इसलिए वो कंडीशन चली ही नहीं, वो कंडीशन चली ही नहीं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आई इक्वल टू टॉप, आई लेस देन इक्वल टू बॉटम, और टॉप की वैल्यू अगर बड़ी हुई इससे बॉटम से तो ये कंडीशन कभी चलेगी नहीं, तो कंडीशन चली नहीं, वो कंडीशन चली नहीं, तो वो तो हमने हैंडल कर लिया ऐसी। अब जब मैं राइट मोस्ट वाले को भी करा चुका हूं, ठीक है, उसमें हो चुका है इंप्लीमेंट, तो मुझे पता राइट वाला एक से डिक्रीज होकर इधर आ गया होगा, हाँ जी भैया। ठीक, अब मैं किसको प्रिंट कराता हूं, बॉटम वाले को। बॉटम वाला क्या कहता है कि भैया राइट से लेकर लेफ्ट तक की वैल्यू को प्रिंट करा दो, राइट से लेकर लेफ्ट तक की वैल्यू को क्या करा दो, प्रिंट करा दो। यही कहता है ना कि भैया राइट से लेकर लेफ्ट तक की वैल्यू को प्रिंट करा दो। हाँ जी, तो अगर मैं उन्हें प्रिंट करा दिया यहां पे 5432, मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ये किस वजह से हुआ है, ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि मेरा जो टॉप है वो आगे निकल चुका है बॉटम से, इसलिए ये हुआ है। अब आ रहा समझ? हाँ, तो मतलब उस कंडीशन को चलाने से पहले मुझे यहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि भैया तुम, हाँ जी आपसे पहले एक कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी कि इफ आप तभी चलोगे जब टॉप लेस देन इक्वल टू हो बॉटम से, ये वाली कंडीशन। इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी वो बताया था कि भैया जब मैं ये कंडीशन यहां पे चेक कर रहा हूं तो ये कंडीशन अंदर भी होल्ड करनी चाहिए। मैंने देखा यहां पे टॉप इंक्रीज हो चुका है, तो मैंने देखा ये वाला क्या उसको हैंडल कर पा रहा है, नहीं कर रहा था, हैंडल नहीं कर रहा था, इसलिए वो प्रिंट कर दे रहा था। क्लियर है? हाँ जी, मैंने कहा एक कंडीशन इसके लिए भी लिखी जाएगी, वो दिखेगी ऐसे कि इफ ये भी तभी चलेगी जब लेफ्ट लेस देन इक्वल टू हो राइट से, ये भी तभी चलेगी, ये भी तभी चलनी चाहिए। मैं देख पा रहा हूं कि राइट मेरा डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, राइट की वैल्यू एक छोटी हो जा रही है। अब मैंने यहां पे लिखा जब तक लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट हो तभी ये कंडीशन चलनी चाहिए। ठीक है, यहां पे राइट डिक्रीज हुआ है, राइट डिक्रीज होने का मतलब ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट से भी छोटा बन गया हो। हाँ जी, और जब उससे भी छोटा बन गया तो उसको यहां पे इसको रन नहीं करना चाहिए, इस वाले को रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे मैं लेफ्ट को एक्सेस कर रहा हूं। भैया एग्जांपल, मैंने कहा एग्जांपल अभी बताता हूं, मैंने कहा एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा आपको मैट्रिक्स ये दे रखी है 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये मेरा टॉप हो जाएगा, हाँ जी भैया, ये मेरा बॉटम, हाँ जी भैया, यही मेरा लेफ्ट, हाँ जी भैया, और यही मेरा राइट, हाँ जी भैया। टॉप वाला क्या कहता है कि टॉप वाली रो को प्रिंट कर दो, कब से, लेफ्ट से लेकर राइट तक, तो 2 मेरा प्रिंट हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ जी, जैसे हो गया वो टॉप को 1 से इंक्रीज करवा देता है, टॉप यहां पे आ चुका है। ठीक, उसके बाद क्या प्रिंट करवाता हूं, राइट मोस्ट वाले, कहां से कहां तक, टॉप से लेके बॉटम तक, तो 3 4 5 6 प्रिंट हो गया, हो गया। हाँ जी, जैसे प्रिंट हो गया राइट वाला क्या बोलता है कि मुझे 1 से डिक्रीज कर दो। क्लियर है? हाँ जी भैया, राइट बोलता है 1 से डिक्रीज कर दो। अब अगले स्टेप में क्या बोलते हैं कि अब बॉटम वालों को प्रिंट करने हैं, किसको, बॉटम वालों को, कहां से कहां तक, राइट से लेके लेफ्ट तक, बॉटम वालों को प्रिंट करो, कहां से कहां तक, राइट से लेके लेफ्ट तक। तो अगर मैं यहां पे जाऊं, अगर मैं यहां पे जाऊं तो मैंने देखा कि राइट उससे पहले निकल चुका है और लेफ्ट यहीं पर रह गया, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, वो केस ऑलरेडी खुद को हैंडल कर लेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जे इक्वल टू राइट से, जे ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, जे माइनस माइनस। ठीक है, मुझे पता राइट छोटा है किससे, लेफ्ट से, तो ये कंडीशन कभी चलेगी नहीं, नहीं चली तो कुछ भी असर नहीं पड़ा, तो मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा इस वाले केस में। जैसे ही वो खत्म हुआ, ठीक है, तो बॉटम खुद को ऊपर ले जाएगा, ले गया। हाँ जी, अब जब मैं लेफ्ट वाले को प्रिंट कराता हूं, लेफ्ट में क्या बोलता हूं, बॉटम से लेकर टॉप तक की वैल्यू को प्रिंट करा दो। अगर वो उनको प्रिंट कराने लग गया 5 4 3 को, तो मैं अटक जाऊंगा अगर उसने ये प्रिंट करा दिया, क्योंकि मेरा आंसर ये होना चाहिए था सिर्फ, उसने ये भी प्रिंट करा दिया। ये क्यों कराया उसने, क्योंकि मेरा राइट है वो आगे निकल चुका है मेरे लेफ्ट से, इसलिए उसने उसे प्रिंट कराया। इसलिए मैंने यहां पे लास्ट में इसके लिए भी कंडीशन लिखी है कि इफ लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये भी क्लियर है। तो ये मेरा कोड हो गया टोटल। आई होप ये आपको अच्छे से चमका होगा, समझ आया होगा कैसे हमने इन डिटेल इन डेप्थ जाके इसको समझा। पहले हमने मोटा मोटा कोड लिखा, उसके बाद जब हमने एक बार कोड लिख दिया उसके बाद हमने देखे कि हमारे एज केसेस क्या हो सकते हैं, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो वो केसेस भी हमने हैंडल कर लिए। तो अगर इस प्रॉब्लम को करके आपको मजा आया, हमने बिल्कुल रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से किया है, जैसे हम समझते हैं कि पहले टॉप को, टॉप प्रिंट हो चुका है, नया टॉप आ चुका है, राइट वाला प्रिंट हो चुका है, नया राइट आ चुका है, वही मेथड वही स्ट्रेटजी हमने फॉलो करी है और अपना आंसर निकाला है। अगर ये आपको समझ आया तो लिख देना भैया चमक गया, एक हार्ड लेवल की प्रॉब्लम को मैंने यूं सॉल्व कर दिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी बताइए? मैं एक एक करके सारे बॉक्स में गया हूं, एक एक करके सारे बॉक्स में गया हूं, तो बोल सकता हूं कि रो इनटू कॉलम ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? बोल सकता, नहीं बोल सकता? इस बॉक्स में गया हूं, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सारे बॉक्स में एक एक बार गया हूं, तो टोटल अगर मैं सब बॉक्स में एक एक बार गया हूं तो रो इनटू कॉलम बॉक्स में मैं टोटल टाइम गया हूं, तो यही मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। हाँ जी भैया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? क्या कोई मैंने स्पेशल एरे वगैरह क्रिएट किया? नहीं किया, तो ऑर्डर ऑफ 1। क्लियर है? हाँ जी भैया, तो चलो चलते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब हम आते हैं अपनी लास्ट प्रॉब्लम, स्पाइरल मैट्रिक्स। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है इसको मुझे स्पाइरल फॉर्म में आंसर को देना है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे उसने मुझे वेक्टर के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, वेक्टर वेक्टर, तो एक वेक्टर को मुझे आंसर में रिटर्न करवाना है। तो सबसे पहले इसी को क्रिएट कर देते हैं कि वेक्टर इंटीजर मेरा आंसर, इस वेक्टर को मैं रिटर्न करूंगा। अभी मेरे पास 2D वेक्टर दे रखा है जो ये है, इसमें कितनी रोज कितने कॉलम होंगी वो मैं सिंपल निकाल सकता हूं। कैसे? इंटीजर रो इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज, ये मुझे बता देगा मेरे उसमें कितनी रोज हैं। और अगर मुझे कॉलम को निकालना हो तो सिंपली मैं लिख सकता हूं मैट्रिक्स जीरो डॉट साइज। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। इस तरीके से मैं दोनों चीजों को सॉल्व कर सकता हूं। हाँ जी, अब मेरे पास ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब मुझे क्या चाहिए? एक टॉप वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला और बॉटम वाला। तो इंटीजर टॉप वाला इनिशियली कहां पे होगा? जीरो पे होगा। बॉटम वाला कहां पे होगा? डेफिनेटली रो माइनस वन के बराबर होगा, ये बॉटम वाला। हाँ जी भैया। और मेरा लेफ्ट वाला कहां पे होगा? इनिशियली जीरो पे होगा। और मेरा राइट वाला कहां पे होगा इनिशियली? भैया वो होगा कॉलम माइनस वन पे। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये मुझे क्लियर है। अब हम यहां पे अपनी कंडीशन को लिख सकते हैं कि वाइल कब तक मुझे इसको चलाना है कि भैया जब तक मेरा लेफ्ट लेस देन इक्वल टू मेरे राइट के इक्वल हो, ठीक, एंड मेरा टॉप लेस देन इक्वल टू हो मेरे किससे? बॉटम से। तब तक मुझे ये काम करते जाना, क्योंकि मैं इनको टॉप को मैं नीचे लेते जाऊंगा, बॉटम को मैं ऊपर लेते जाऊंगा, लेफ्ट को मैं इधर को लेके जाऊंगा, राइट को मैं इधर को लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करना पड़ता है? प्रिंट टॉप, ठीक, उसके बाद मैं प्रिंट राइट वाला, ठीक, उसके बाद प्रिंट बॉटम, ऐसे ही करना मुझे। हाँ जी भैया। और लास्ट में प्रिंट लेफ्ट, प्रिंट टॉप, प्रिंट राइट, प्रिंट बॉटम और प्रिंट लेफ्ट। इस तरीके से मैं इनको सॉल्व करता हूं। अब अगर मुझे अपने टॉप वाले को प्रिंट कराना है, इस वाले को, ठीक, मुझे पता है ये टॉप वाला ये है, इसको मुझे प्रिंट कराना है यहां से लेके यहां तक, लेफ्ट से लेके राइट तक मुझे लूप को चलाना पड़ेगा सिंपली, ठीक। तो फॉर इंटीजर जे इज इक्वल टू कहां से? लेफ्ट से, जे लेस देन इक्वल टू मेरा राइट और जे प्लस प्लस। क्लियर है? हाँ जी। तो सी आउट नहीं करना मुझे, यहां पे आंसर के अंदर उस वैल्यू को स्टोर कराना है, क्योंकि मुझे इस आंसर को किसमें देना है? रिटर्न करवाना है सिंपली। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि आंसर डॉट पुशबैक। क्या पुशबैक करना पड़ेगा मुझे? बताइए। सिंपल है। हाँ, मुझे पता है इसका नाम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, मुझे पता है ये मेरा टॉप है और ये इसका कॉलम हो गया। इस तरीके से मैं इसको पुश करवा सकता हूं, ठीक, जे इक्वल टू लेफ्ट से लेकर राइट तक, लेफ्ट से लेकर राइट तक, ठीक। हाँ जी भैया। जैसे मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, मैंने टॉप को प्रिंट करा दिया, उसके बाद टॉप को एक से इंक्रीज करा दूंगा, क्योंकि टॉप वाली रो को मैं प्रिंट करवा चुका हूं, टॉप को मैं प्रिंट करा चुका हूं, 1 2 3 को मैं हटा सकता हूं। अब मेरा नया टॉप 4 5 6 होगा। क्लियर है? हाँ जी। अब मुझे राइट को प्रिंट कराना है। किसको? राइट को। तो राइट कहां से कहां तक? 6 से लेके 9 तक, ठीक। हाँ जी। तो मैं लिख दूंगा कि भैया फॉर इंटीजर कहां से? आई इक्वल टू टॉप से कहां तक? आई जब तक लेस देन इक्वल टू हो मेरे बॉटम तक और आई प्लस प्लस। हाँ जी। तो आंसर के अंदर क्या डाल दीजिए? पुशबैक। सिंपली क्या डालना पड़ेगा कि भैया जो मेरी मैट्रिक्स मुझे गिवन है, ठीक, उसमें जो मेरी आई की वैल्यू है और जो मेरी राइट की वैल्यू है। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। जैसे मैंने राइट वाला प्रिंट करा दिया तो मैं बोलूंगा राइट ये प्रिंट हो चुके हैं, अब मेरा नया राइट ये होगा इधर वाले, ठीक। तो मैं राइट को क्या बोल दूंगा? राइट माइनस माइनस। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये भी मुझे क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं मुझे बॉटम वाले प्रिंट करने हैं, तो बॉटम वाला मुझे अगर प्रिंट करना है, मुझे पता है कि मेरा जो राइट की वैल्यू है वो 8 पे है और जो मेरा टॉप की वैल्यू है वो इस वाले को दिखा रहा है, तो मुझे यहां से लेके यहां तक वैल्यूज को प्रिंट कराना है, मतलब इस राइट से लेके कहां तक? इस लेफ्ट तक। मतलब रिवर्स में प्रिंट कराते ना, यहां से लेके यहां तक। तो वही मैं काम यहां पे कर रहा हूं कि फॉर इंटीजर जे इज इक्वल टू कहां से? मेरे राइट से, जब तक मेरा जे क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे किससे? लेफ्ट से, जे माइनस माइनस। तो मुझे इसको किसमें डालना पड़ेगा? आंसर डॉट पुशबैक। तो यहां पे मुझे सिंपली मैट्रिक्स बॉटम और क्या लिख दूंगा? इस जे को। क्लियर है? हाँ जी भैया। जैसे ही मैंने ये कर दिया सॉल्व, तो मुझे पता है अब मेरा बॉटम को 1 से डिक्रीज करवा दीजिए कि मैं बॉटम को प्रिंट करा चुका हूं, अब मेरा बॉटम ऊपर बढ़ चुका है। जब मैंने प्रिंट बॉटम करा दिया, उसके बाद मुझे लेफ्ट वाले को प्रिंट कराना है, तो लेफ्ट वाला कहां से? यहां से ऊपर को प्रिंट होगा, ठीक है। जब ऊपर को और वो प्रिंट हो रहा है, तो सिंपली मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहां पे कि फॉर इंटीजर आई इक्वल टू, बॉटम से प्रिंट करा रहा हूं कब तक? जब तक मैं ऊपर जा रहा हूं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू टॉप हो, आई माइनस माइनस। तो आंसर डॉट पुशबैक क्या करवा दीजिए? मैट्रिक्स ऐसी लिखूंगा। हाँ जी भैया। और ये आ जाएगा मेरा आई, यहां पे आ जाएगा मेरा लेफ्ट। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये भी मुझे क्लियर है। तो मैंने अपने लेफ्ट वाले को भी इस तरीके से सॉल्व कर दिया। जैसे मैंने सॉल्व कर दिया तो मैं बोल दूंगा अब मेरे लेफ्ट को एक से इंक्रीज कर दीजिए। अभी तक लेफ्ट ये था, अब इसको अंदर की ओर ले जाइए। अब मैंने देखा था कि जब मैं ये सॉल्व कर दूंगा तो उसके बाद मैं सिंपली रिटर्न अपने आंसर को कर दूंगा, तो रिटर्न आंसर। मुझे पता है ये जो दो केसेस मेरे होंगे ये मुझे एरर दे सकते हैं। किस केस में एरर दे सकते हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन ऑलरेडी लिखी हुई है कि जब तक मेरा टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम है तभी तक आपको ये चलाना है। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मेरा टॉप इंक्रीज हो जा रहा है, टॉप इंक्रीज हो जा रहा है, तो बहुत हाई चांस है कि यहाँ पे जब मैं इस वाले को एक्सेस करने की कोशिश करूं मैट्रिक्स बॉटम जे को, तो शायद इसको मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्रिंट ऑलरेडी ऊपर वाले एलिमेंट से हो चुका होगा। तो उसको हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे सिंपली मुझे एक कंडीशन डालनी है कि इफ टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम है तभी तक मुझे ये काम करवाना है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्योंकि ऊपर मैंने वही कंडीशन डाली थी ना, तभी वो चीज चलनी चाहिए। हाँ जी, ये वाली कि जब तक टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम हो, तो यहाँ पे मैंने वो लिख दी कि इफ टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम। यहाँ पे भी सेम कहानी, ठीक, कि इफ मुझे पता है लेफ्ट वाला इधर को इंक्रीज कर रहा है, राइट वाला इधर को इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने लिखा था कि इफ लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट हो तभी तक मुझे ये काम करवाना है, कि इफ लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट तभी मुझे ये काम करवाना है। तो दोनों केसेस को मैंने हैंडल कर लिया जो मेरे एरर दे सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो शायद हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो ये रन हो चुका है, इसको मैं सबमिट करूं तो लीजिए हम जीत चुके हैं 10 करोड़ रुपए। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा क्यों मैं टॉप, फिर मैंने राइट, फिर मैं बॉटम और फिर मैं लेफ्ट वाले को प्रिंट करवा रहा हूं। ये भी आपको समझ आ गया होगा कैसे मैं टॉप को प्रिंट करा रहा हूं। टॉप को आपको ऐसे करके प्रिंट कराना है, मतलब लेफ्ट से राइट। जब मैं किसको प्रिंट करा रहा हूं? राइट वाले को। तो राइट वाला कैसे प्रिंट होगा? मुझे पता टॉप से लेके बॉटम तक मुझे उनको प्रिंट करवाना है, तो वही मैंने लिखा आई इक्वल टू टॉप से आई लेस देन इक्वल टू बॉटम, और ये मैंने ऐसे करके प्रिंट करा दिया। जब मुझे बॉटम वाले को प्रिंट कराना है तो मुझे पता है कि राइट से लेके मुझे लेफ्ट तक इटरेट करना पड़ेगा, ठीक, राइट से लेके लेफ्ट के बीच। और जब मुझे लेफ्ट वाला प्रिंट कराना है तो मुझे पता है मुझे बॉटम से कब तक जाना पड़ेगा? ऊपर टॉप तक। तो वही मैं यहां पे कर रहा हूं, बॉटम से लेके टॉप तक, आई माइनस माइनस। आई होप ये कोड आपको अच्छे से सेंस बनाया होगा। अगर आपको ये कोड अच्छे से चमक गया है तो लिख दो कि भैया सब कुछ मुझे अच्छे से चमक गया है। चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दी है, देखिए, ठीक है, जिसका साइज होगा n×n, उसको आप ट्रांसपोज करो, ठीक है, जितने रोज होंगे उतने कॉलम इस मैट्रिक्स के अंदर होने हैं। हमने ये शायद इस टाइप की प्रॉब्लम को 11वीं 12वीं में पढ़ा है। एक मैट्रिक्स दी हुई होती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 0 1 2 3 0 1 2 3, जितने रोज है उतने कॉलम है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको बोल सकता हूं। क्या बोलती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। मतलब इसका आउटपुट कुछ ऐसा मुझे दिखना चाहिए कि मुझे पता है ये फर्स्ट रो है तो यहां का ये ऐसा दिखेगा फर्स्ट कॉलम, ये अगली रो है तो ये कॉलम में चेंज होगा, ठीक। ये वाला है 9 10 11 12, ये यहां पे आएगा। फिर 13 14 15 16 है, वो यहां कॉलम बन जाएगा। ऐसी चेंज करते थे कि रो को कॉलम में चेंज कर दो, या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो, कुछ भी कह सकता हूं। हाँ जी भैया, कह सकते हैं। कैसे चेंज करूंगा ये यार, ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ये तो घुमा देगा। मैंने कहा बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है, लल्लू सा, बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं आपसे एनालाइज करने के लिए बोलूं, इसको रहने देते हैं, ठीक। अगर मैं आपको एनालाइज करने के लिए बोलूं, यहाँ पे पहले इनको नाम दे देता हूं कि 0 0 0 1 0 2 0 3, ऐसा नाम दोगे ना आपको लॉजिक बनाने में आसान होगा, ठीक। 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 है ना, 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3, ऐसे करके नाम होगा। हाँ जी, मैं क्या बोलता हूं कि रो को किस में चेंज कर दो? कॉलम में चेंज कर दो। किसको? रो को। यही बोलता हूं, या तो कॉलम को रो में चेंज कर दो या फिर रो को कॉलम में चेंज कर दो, ठीक। मैं देख पा रहा हूं अगर मैं इस 2 पे जाऊं, इस 2 की करेक्ट पोजीशन कहां पे? यहां पे होनी चाहिए, है ना। तो मैंने देखा ये 0 1 है, इसको किस में चेंज करना है? इस रो को कॉलम में चेंज करना है, तो मतलब इसकी सही लोकेशन होनी चाहिए 1 0 1 0, तो यहां पे इसकी सही लोकेशन 1 0 है। इसको भी ऐसे करके क्रिएट कर देते हैं। जीरो वन टू थ्री, 0 1 2 3, क्लियर है? हाँ जी भाई, मैंने कहा ये 2 की सही पोजीशन कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे अगर 0 1 है तो उसकी इसमें पोजीशन 1 0 होनी चाहिए, मतलब ठीक उसका उल्टा। ठीक, इस 0 2 की बात करूं, अगर मैं 0 2 पे जाता हूं, इसकी सही पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए? ये 0 2 है तो इसकी सही पोजीशन होनी चाहिए 2 0 2 0, बोले तो ये वाला बनना कुछ लॉजिक। अगर मैं इस पे जाता हूं 4 पे, ठीक, यहां पे क्या लिखा है? 0 3, क्या लिखा है? 0 3, तो 0 3 की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए? 3 0, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, है ना? तो मैंने 0 3 को कहां पे डाल दिया? 3 0 पे डाल दिया। क्लियर है? हाँ जी भैया, तो हर किसी को मैं देख पा रहा हूं। अगर मैं 5 की बात करूं, 5 की करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए? मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 1 0 लिखा है, तो इसकी करेक्ट पोजीशन क्या होगी? 0 1, है ना? 0 1, हाँ जी। इसकी क्या होगी? 6 है, 1 1 है, इसकी करेक्ट पोजीशन क्या होगी? इसका वो अपोजिट ही करूंगा तो 1 1 ही आएगा, तो ये यहीं पे रहेगा। 7 की करेक्ट पोजीशन क्या होगी? ये 1 2 है तो इसका उल्टा क्या होगा? 2 1, तो 2 1 कहां पे होगा? 2 1 यहां पे। क्लियर? हाँ जी। मैं 8 की बात करूं, 8 की सही पोजीशन कहां पे होनी चाहिए? ये 1 3 है तो 3 1 पे, तो 3 1 पे अगर मैं 8 को देखूं, यहां पे वो लिखा हुआ है। क्लियर है? हाँ जी। अब मैं अगर 9 की बात करूं, ये 2 0 लिखा है, वहां उसकी पोजीशन 0 2 होनी चाहिए। ठीक, मैं अगर इस 10 की बात करूं, ये 2 1 पे तो वहां 1 2 पे होना चाहिए, 1 2 वहीं पे है। मैं देखूं अगर ये 2 3 यहां पे दे रखा है, इसकी करेक्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए? 3 2 पे। ये 11 बच गई था, इसकी पोजीशन 2 2 है, इसकी करेक्ट पोजीशन भी 2 2 ही होगी, उल्टा। ठीक, इसकी बात करूं 3 0 वाला कहां जाएगा? 0 3 पे। ये कहां जाएगा? लॉजिक कुछ क्रिएट हुआ, कुछ हुआ क्रिएट। तो मैंने सिंपली एक काम करना है, मैं एक एरे बना देता हूं बगल में, एक एरे बगल में बना लेता हूं। ठीक है, एक एरे बगल में बना लेता हूं, इसको और भी मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, यह भी ऐसे खाली रहेगा। एक एरे मैंने इसी साइज का बना दिया। इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको, क्या बना रहा हूं? सॉल्यूशन बता रहा हूं। ठीक, मैं यहां पे गया, यहां पे, ठीक, यहां पे मैं इनको लिख देता हूं 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 2 1 0 2 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 1 3 3 0 3 1 3 2 3 3। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। मेरे पास ये सब कुछ गिवन है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं वो देखते हैं। मैं यहाँ पे गया, मुझे पता है यहाँ पे इसका नाम 0 0 है, तो वहां ये किसमें होना चाहिए? 0 0 पे होना चाहिए, तो ये वहीं पे रहेगा, सॉरी 1। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर क्या लूं? ग्रीन ले लेते हैं। चलो, मैं यहाँ पे आया 2 पे, 2 यहाँ पे 0 1 पे वहां किस पोजिशन में होना चाहिए? भैया 1 0 पे होना चाहिए, तो 1 0 पे लिख दिया। ठीक, यहाँ मैंने 3 को देखा, ये 0 2 पे वहां 2 0 पे होना चाहिए, ये 0 3 पे वहां जाके 3 0 पे होना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी भैया। मैं यहाँ पे आया 5 वाला, यहाँ कहाँ पे? 1 0, वहां पे 0 1 पे, 0 1 पे 5। ठीक, ये 6 वहां 1 1 पे ही रहेगा, ये 7 1 2 पे वहां 2 1 पे, यहाँ ये 1 3 पे वहां 3 1 पे। लिख रहा है, लग रहा है कुछ अलग सा? हाँ जी भैया। 9 यहाँ कौन सी पोजीशन पे? 2 0 वहां पे, तो 9 10 11 12 ऐसे करते करते मैं इसको भर सकता हूं और ये मैट्रिक्स मुझे आंसर में मिल जाएगी। मैंने इसका ट्रांसपोज कन्वर्ट करके दे दिया, दे दिया है। हाँ जी भैया, दे दिया। भैया इसका कोड कैसे लिखेंगे? मैंने कहा कोड लिखना और भी आसान काम है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन लोग, इसको ऊपर को शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे इसका कोड लिख देते हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके इस मैट्रिक्स के ऊपर जा रहा हूँ, पहले 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 6 7 8 ऐसे जा रहा हूँ। हाँ जी, इसका नाम मैट्रिक्स रख देता हूँ और ये जो नया मैंने क्रिएट किया इसका नाम ARR दे देता हूँ। ठीक है? हाँ जी भैया। और इसका साइज है n, रोज n कॉलम, जितनी रोज है उतनी कॉलम इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर i equal to 0 से i n i++ लिख सकता हूं। हाँ जी भैया। फॉर j equal to 0, ट्रैवर्स कर रहा हूं सिर्फ हर किसी को, j n j++। हाँ जी भैया। ठीक, अब मैं पहले वाले पे आ गया। ठीक, इस पे इसकी वैल्यू मुझे कहां डालनी है? इधर डालनी है। कौन सी लोकेशन में डालनी है? तो पहले मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा? इसका नाम मैट्रिक्स है, मैं लिख सकता हूं कि मैट्रिक्स ij की वैल्यू यही होगा। इसकी वैल्यू किसके अंदर डालनी है? इस एरे के अंदर डालनी है। और वो कौन सी पोजीशन में डालनी है? मैंने कहा रो कॉलम पे चेंज हो जाएगा, कॉलम रो पे चेंज हो जाएगा। खत्म, मैट्रिक्स आईजे की वैल्यू इसके अंदर डाल दो। तो पहले यहाँ पे आईजे की वैल्यू 0 0 है, तो 0 0 कहां पे जाएगा? 0 0 पे ही जाएगा, तो वहां पे वो वैल्यू कॉपी हो गई। मैंने यहाँ पे आया, जब क्या होगा? 0 1, ये 0 था, ये 1 था, तो इसने बोला इसकी वैल्यू किसमें डालनी है? 1 0 वाले पे डालनी है। 1 0 वाले पे, तो 0 1 की वैल्यू कहां जाएगी 1 0 वाले पे। ठीक, फिर ये 0 2 बना, 0 2 की वैल्यू कहां जाएगी 2 0 वाले पे, तो 2 0 वाले पे 2 0 वाले पे वैल्यू चल जाएगी इस 3 की। ऐसे करके मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो बताइए ये कोड इजी लगा नहीं लगा? हाँ जी भैया इजी लगा। इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो कितनी होगी? जाहिर सी बात है मैंने इस पूरे उसको ट्रैवर्स किया है, ठीक है, अब वो वैल्यू मैंने यहां पे डाल दी। अगर मैं इसकी बात कर दूं तो n और n तो लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ जी भैया लिख सकते हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी? मैंने एक एक्स्ट्रा एरे क्रिएट किया, ठीक, और इसका साइज कितना है n स्क्वायर ही है भैया, है ना, n स्क्वायर। n rows n कॉलम एक्स्ट्रा एरे मैंने क्रिएट करा है, ऑक्सिलरी स्पेस आपका n स्क्वायर हो गया। तो बताइए यहां तक चमका नहीं चमका? हाँ जी भैया यहां तक मुझे चमक चुका है। अब अगर आपको ये चमक चुका है, मैं बोल रहा हूं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 में इसको इंप्लीमेंट करके दिखाओ, तब कैसे करोगे? मैं बोला एक्स्ट्रा एरे क्रिएट करना नहीं है, जो चेंज करना है इसी के अंदर करो, जो चेंज करना है इसी के अंदर करो, और कहीं नहीं करना, इसी के अंदर चेंज करो। अब कैसे करोगे बताओ भैया? यहां पे तो दिमाग घूम जाएगा मेरा, यहां पे तो दिमाग घूमेगा थोड़ा, और दिमाग के ऊपर प्रेशर भी बनेगा। मैंने कहा बनेगा तो सही भाई, इजी तो नहीं है, तो कैसे करोगे बताओ? बहुत आसान क्या है, बहुत आसान है। देखो एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा, इसको हटा देता हूं, ठीक है, और पूरा ही हटा देता हूं इसको तो। हाँ जी यहां पे आया, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको चेंजेस दिखते रहे, ठीक है। इसी वाले को मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने कहा ये काम भी बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 यही होगा। हाँ जी भैया ऐसी दिखेगा। हाँ जी 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3 बहुत आसान है भैया। आप आसान बोलते तो आसान लगता नहीं है मुझे, फिर आपकी बातों में 0% भरोसा है मुझे। चलो मैंने कहा ये सच में आसान है ठीक। अब देखो मैंने कहा यही मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बना रखी है, ठीक है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, मतलब इसी के ऊपर चेंज कर रहा हूं, बस आपको दिखाने के लिए, विजुअलाइज कराने के लिए मैंने बना रखी है। अब देखो मुझे क्या करना है, मैं बोला एक ही प्लेस में मुझे एक्स्ट्रा एरे क्रिएट नहीं करना, मुझे वहीं पे उसको इंप्लीमेंट करके दिखाना है, ठीक है। अब मैं यहां पे कैसे करूंगा? देखो मुझे पता है कि अगर मुझे पता है ये 2 वाली की सही पोजीशन ये 0 1 है, तो वो यहां पे होनी चाहिए, 1 0 पे होनी चाहिए, ठीक। तो मैं अगर इनको स्वैप कर दूं, दोनों को स्वैप कर दूं, ठीक, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ये 5 यहां चला गया, ये 2 यहां पर चला गया, सही बात है। मैं इस 3 वाले पे गया, ठीक, मैंने यहां पे गया, मैंने देखा ये 0 2 लिखा है, इसकी सही पोजीशन 2 0 होनी चाहिए, तो मुझे पता 9 वहां पे आएगा, 3 यहां पे आना चाहिए, है ना। हाँ जी भैया, क्योंकि दोनों अपोजिट उसमें जाते हैं, तो मैंने उसको वहां डाल दिया कि यहां पे क्या आएगा 9, यहां पे 3, क्लियर है। हाँ मैं यहां पे गया पूरा वाले, मुझे पता है इसकी सही पोजिशन 3 0 होनी चाहिए, इसकी पोजिशन 0 3 होनी चाहिए, तो यहां पे 4 आ जाएगा और यहां पे 13 आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ जी भैया, भैया ये 1 वाले के साथ आपने कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा 1 वाले के साथ भी कर लो, मैंने कहा ये 0 0 है, इसके सही पोजीशन में 0 0 है, उसके साथ ही स्वाइप कर दो, तो खुद के साथ स्वाइप होगी, वो बनी रहेगा, क्लियर है। हाँ जी, तो मैंने पहले यहां पे देख लिया, यहां पे देख लिया, यहां पे देख लिया, यहां पे देख लिया। अब अगर मैं यहां पे देखने का काम करूं फिर से कि 2 वाला है, ठीक है, मैंने देखा यहां पर क्या लिखा है 1 0 लिखा है, इसकी सही पोजीशन क्या होनी चाहिए 0 1। अगर मैंने इसको स्वाइप कर दिया, इसको अगर मैंने स्वाइप कर दिया, इधर लेके चला गया, 2 को इधर लेके चला गया, 5 को इधर लेके चला गया, फिर तो ये वैसे ही बन गया जैसे प्रीवियस से 1 2 2 पहले भी वही था, जबकि 2 को इधर होना चाहिए था। तो मतलब मेरे लॉजिक में कुछ गड़बड़ है, मेरे लॉजिक में कुछ गड़बड़ है या नहीं है? हाँ जी भैया है। तो मैंने कहा पहले अपने लॉजिक को सही करते हैं, इसको ध्यान से एनालाइज करते हैं, ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको एनालाइज करूं ध्यान से, ठीक, मुझे पता है ये वाला स्वैप होंगे, ये वाला स्वैप होंगे, ये वाला और ये वाला स्वैप होंगे, ये इसके साथ स्वैप होगा 1 2 2 1 के साथ स्वैप होगा, ये वाला इसके साथ स्वैप होगा, ठीक, ये 1 2 वाला, ये 2 3 वाला 3 2 वाले के साथ स्वैप होगा, ठीक। इनको किसी के साथ स्वैप होने की जरूरत नहीं है, ठीक, वो अगर स्वैप होंगे तो खुद के साथ ही रहेंगे, ठीक, मैं देख पा रहा हूं कि इसको इसके साथ स्वैप कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, इसको इसके साथ, 13 को 31 के साथ, इसको इसके साथ। प्रीवियस वाले में मैं सब पे जा रहा था, अब सब पे नहीं जाना। अगर सब पे जाओगे तो स्वाइप होकर फिर से वही बन जाएंगे, क्योंकि पहले स्वाइप में देखो जब मैं यहां पे गया था तो 2 यहां आ गया था, 5 यहां आ गया था, है ना। जब मैं ऐसे ऐसे फिर यहां पे आया, फिर से मैंने सेम लॉजिक लगाया कि अब फिर से स्वाइप कर दो। मुझे पता 10 की सही पोजीशन 01 पे होगी। जब मैंने उन्हें दोबारा स्वाइप किया तो 5 और 2 फिर से जब स्वाइप हुए तो 5 यहीं आ गया और 2 यहां आ गया, जो ओरिजिनल थे। ये नहीं चाहिए था। मुझे ये देखना है कि मैं किसी को चीज को 2 बार स्वाइप ना करूं। अगर किसी चीज को 2 बार स्वाइप कर दिया तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ जी भैया आ जाएगा। तो मैंने देखा कि क्या करूं कि सिर्फ मैं इस वाले पोर्शन को ट्रैवर्स करूं, 2, 3, 4 को, 7, 8 को और 12 को, इसको इसको और इसको ही वो करूं। बाकी मैं इन पे ना जाऊं, इन पे ना जाऊं, इस पे ना जाऊं, इस पे ना जाऊं, इस पे ना जाऊं, किसी पे ना जाऊं। सिर्फ इस पे, इस पे, इस पे, फिर इस पे, इस पे और इस पे। मैं चला गया तो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब जाएंगे कैसे वो भी बात की बात देखते हैं। तो मान लो मैंने शुरू किया, मैं पहले यहां पे गया, मैंने 2 और 5 को देखा तो मैंने कहा इनको स्वाइप करो, स्वाइप कर दिया। मैं अब इस पे गया, मैंने कहा 3 और 9 को स्वाइप कर दो, क्योंकि 02 है तो वो क्या है 20, तो 3 यहां आ गया, 9 यहां आ गया, ठीक। मैं अब इस पे गया, मैंने कहा 4 और 13 को स्वाइप कर दो, तो 4 यहां आ गया और 13 यहां पे आ गया। क्लियर है? हाँ जी भैया। भैया थोड़ा साफ लिख दो, तो मैंने कहा थोड़ा सा साफ लिख देते हैं कि 5, 9 और 13। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है, ठीक। मैंने कहा मुझे इधर आने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहां पे जाऊंगा। 7 को किस साथ एक्सचेंज करना है, 21 वाले के साथ, तो वो इसके साथ एक्सचेंज जाएगा और 10 यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। अब मैं 13 के साथ जा रहा हूं, 13 को किस साथ एक्सचेंज करना है, 31 के साथ, तो 8 यहां पे आ जाएगा और 14 यहां पे आ जाएगा, ठीक। मैं इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे जा चुका हूं, अब मुझे इस पे आना है, ठीक। 1 इसको किस तरह एक्शन करना है, 3, 2 वाले के साथ, तो ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 15, ठीक। अब इसके बाद मैं नीचे आया, मैंने देखा कुछ नहीं है, मैं रुक गया। इस तरह से अगर मैं स्वाइप करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि ये इसका ट्रांसपोज बन चुका है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16। तो मुझे पता है कि जब मैं अपने एरे को ट्रैवर्स करूंगा तो मुझे सिर्फ इधर वाले पोर्शन में उसको ट्रैवर्स करने की जरूरत है, इधर नहीं करना, इधर जाना ही नहीं है। अगर मैं इधर भी जाना शुरू कर दिया और वो स्वाइप हो गए तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। भैया क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। यहां तक चमक रहा है? हाँ जी भैया यहां तक मुझे चमक रहा है। देखो एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, जिन बच्चों को समझ नहीं आया, इसका मुझे ट्रांसपोज करना है, मुझे पता है इसका ट्रांसपोज का रिजल्ट ऐसा आएगा कि 1, 2, 3, 4 ऐसा होना चाहिए, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं अगर आप पूरे उस पे जाते हो, पूरे उस पे मैं यहां पे गया, मैंने इसको स्वाइप कर दिया इसी के साथ, 00 को 00 के साथ स्वाइप कर दो। फिर मैं 2 पे गया, मैंने कहा 2 वाले को, ये 0 मैंने तो 10 वाले के साथ स्वाइप कर दो, तो ये 2 यहां पे आ गया और 3 यहां चला जाएगा, 2 यहां पे आ गया, 3 इधर आ गया, ठीक। फिर मैं इस पे आया, मैंने कहा इसको स्वाइप करना किसके साथ, ये यहां पे 10 है तो इसको 01 वाले के साथ स्वाइप कर दो, तो अगर मैंने इसको भी स्वाइप कर दिया तो भाई फिर से 2 यहां पे आ जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा, अब 4 वाले को एक्सचेंज होगा तो यहीं पे आएगा। तो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वो किस कारण हो रहा था, क्योंकि मैंने इसी वाले को 2 बार स्वाइप करा है, 2 बार। एक ही बार स्वाइप करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, वो तभी आएगा जब मैं एरे के इधर वाले पोर्शन को ही ट्रैवर्स करूंगा। डायगोनल से उधर वालों को ट्रैवर्स करो, इधर वालों को मत करो ट्रैवर्स, बस। या फिर डायगोनल से इधर वालों को ट्रैवर्स करो, उधर वालों को मत करो, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी। अब इसका लॉजिक, इसका कोड कैसे लिखेंगे, मैंने कहा वो भी बहुत सिंपल है। वो सिंपल क्यों है, देखो मुझे यहां पे करना क्या है, अगर मैं आपको बोलूं क्या करना था मुझे यहां पे, अगर फ्रैंकली बोलूं क्या करना था मैं यहां पे, थोड़ा सोचो। मुझे पता है मुझे 1 रो 2 रो 3 रो, इस 3 रो तक ही वो आ रहा था। अगर रो का साइज या फिर एन का साइज अगर 4 है तो मुझे एक इस रो पे इस रो तक जाना था, यही करना था, यहां तक जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ जी। तो मैंने कहा वही मैं कर रहा हूं कि फॉर इंटीजर आई इक्वल टू, कहां से 0 वाली रो से कहां तक, आई लेस देन कहां तक, रो -1 आई प्लस प्लस, ठीक। इस रो पे यहीं तक ही आ रहा था ना। हाँ जी भैया। अब कॉलम में मैं कहां तक जा रहा था, अगर मैं देखूं, मैं जब 0 रो पे था तो मैं फर्स्ट कॉलम से लेकर लास्ट कॉलम तक जा रहा था, जब मैं फर्स्ट रो पे हूं तो मैं सेकेंड कॉलम से लेके लास्ट कॉलम तक जा रहा था। जब मैं इस वाले पे हूं 2 पे, तो तब मैं कहां से 3 से लेके 3 तक ही जा रहा था। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि फॉर इंटीजर, अब मुझे कॉलम को एक्सेस करना है, जे इज इक्वल टू कहां से एक आगे से स्टार्ट होता है और लास्ट तक हो जाता है, लास्ट तक। तो आई लेस देन कॉलम लिख देता हूं, आई प्लस प्लस, सॉरी जे प्लस प्लस, ये जे होगा। क्लियर है? हाँ जी, मैं जीरो पे था, जीरो रो पे, तो वहां कॉलम कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक। ठीक, मैं 1 पे था तो ये कहां से कहां तक जा रहा था, जब मैं 1 वाले पे था 2 से लेके 3 तक, 2 पे था तो 3 से लेके 3 तक, मतलब एक आगे से वो स्टार्ट हो रहा था। तो j इक्वल टू i प्लस 1। हाँ जी, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, स्वैप कर दो, किसको, इसका नाम क्या है, क्या दूं इसको नाम, मैट्रिक्स ही दे देते हैं। ठीक, मैट्रिक्स आई जे को किसके साथ स्वैप कर दो, किसके साथ, जे आई के साथ। क्लियर है? हाँ जी भैया, बस ये आपका कोड हो गया, इतने में आपका सॉल्यूशन मिल जाता। तो बताइए इजी था या नहीं था? हाँ जी भैया इजी था। चमका नहीं चमका? हाँ जी भैया चमका। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। कैसे निकाला, आप इसको कैलकुलेट करना सीखो, कैसे निकाला होगा बताइए। मुझे पता है कि पहले में मैंने 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे करते गया होगा, है ना, कि पहले वाले में अगर ये एन रो का होता, अगर n होता है, ठीक है, मुझे पता है ये मैट्रिक्स है, ठीक, और इसमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है वो बराबर है, ठीक, तभी ट्रांसपोज हो पाएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, जितनी रो है उतनी कॉलम है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। हाँ जी, हाँ जी भैया, तो मैं मान लेता हूं वो है n, वो है n, ठीक। हाँ जी भैया, तो आप रो की जगह में n और कॉलम की जगह में भी n यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम है। ठीक, हाँ जी भैया, मैं देख पा रहा हूं कि पहले उसमें, पहले वाले डब्बे में मैंने कितने एलिमेंट को एक्सेस किया, 1 2 3, मतलब अगर n n है तो मेरा n-1, अगले वाले में n-2, फिर n-3, अप टू 1। इतने डब्बे मैंने एक्सेस करने टोटल, है ना, तो इनको अगर आप ऐड उड करोगे तो ये निकलेगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के बराबर। आई थिंक ये क्लियर होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वो होगी हमारी ऑर्डर ऑफ 1। भैया यहाँ पे तो आपने एक्स्ट्रा एरे बनाया है, तो आप ऑर्डर ऑफ 1 कैसे बोल सकते हैं? मैंने कहा बेटा ये ना मैंने तुझे सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए बनाया, ठीक, इसको ना भी बनाता तो वो चेंज मैं यहाँ पे भी कर सकता था, मैंने कोई एक्स्ट्रा एरे क्रिएट किया ही नहीं। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा था कि ये डायग्राम है, इसका ट्रांसपोज यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सारा चेंज आप इसी के अंदर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी आप सारा चेंज इसी मैट्रिक्स के अंदर कर रहे थे, इसी मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर है? हाँ जी भैया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये n-1 n-2 n-3 अप टू 1, ठीक है, कि n-1 डब्बे एक्सेस किए, फिर n-2 फिर n-3 अप टू 1, इन सबको ऐड करोगे तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के इक्विवेलेंट आएगा। अब क्लियर है? हाँ जी भैया, अब मुझे ये चीजें क्लियर है, आप यहां से भी उसको निकाल सकते हैं। तो चलो चलते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट में। अब हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैंने कहा ये बहुत सिंपल काम है, इसमें इसने ऑलरेडी इसका साइज दे रखा है, ठीक है, एन, ठीक है, कि इसमें एन रोज एन कॉलम्स है, तो इसको मुझे पता, सिंपली मैं ऐसे करके सॉल्व कर सकता हूँ। इंटीजर आई इक्वल टू 1 से, आई इक्वल टू 0 से, आई लेस देन n-1, आई प्लस प्लस, फिर फॉर इंटीजर जे इक्वल टू कहां से शुरू होगा, आई प्लस 1 से, कहां तक जाएगा, जे लेस देन n, जे प्लस प्लस। सिंपल सा स्वैप फंक्शन मुझे यहां पे करना है कि मैट्रिक्स आई जे को स्वैप कर दो, किसके साथ, मैट्रिक्स जे आई के साथ। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये मैंने कर दिया, बस इसी को मुझे करना था। कंपाइल एंड रन करूंगा, इसने मुझे रिजल्ट लाके दे दिया, सबमिट करा। क्या हमारे सारे टेस्ट केस पास होंगे? 1100 टेस्ट केसेस हैं, मतलब 1100 अलग अलग टाइप के इनपुट इसके अंदर आए हैं, और हर वो हमारा सही होगा तभी ये कोड चलेगा। और हमारा आंसर 1 बचा हुआ है, स्पीड कम आ रही है। चलो सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है? हाँ जी। अब देखो ये तो मैंने आपको करवा दिया, इसका थोड़ा सा वेरिएशन आपको करना पड़ेगा। कैसे? मैंने अभी यहां पे करा था ना कि 1 1 1, फिर मैं 2 2 पे गया था, फिर 3 पे गया था, है ना, ऐसे करके मैंने स्वैप किया था कि ये जो डायगोनल वाला था मैंने उसके ऊपर वाले एलिमेंट को एक्सेस करके स्वैप करा। आपके लिए होमवर्क है कि ये जो डायगोनल है ना उसके नीचे वाले एलिमेंट को आप एक्सेस करो और उसके बेसिस पे आप स्वैप करो इसको। क्लियर है? हाँ जी। मैंने अभी क्या बोला कि मेरे पास डायगोनल थे, ये मुझे पता डायगोनल वाले चेंज नहीं होंगे, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट मैंने एक एक करके एक्सेस करा, उनको स्वैप करा। हाँ जी, मैं कह रहा हूं डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को आप एक्सेस करो और उससे आप स्वैप करो। क्लियर है? यह आपके लिए होमवर्क है। आई होप आपको आज की वीडियो में काफी मजा आया होगा, आपने काफी कुछ नई चीजें इसमें सीखी होंगी। तो भाई अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो बताइए क्या सीखा है और क्या नए टॉपिक हम आगे कवर करें। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पे आप कमेंट करो बिंदास, और होमवर्क शीट मैंने दी हुई होती है उसको जाके सॉल्व करो यार। जी हाँ, जब सॉल्व करोगे तभी सीख पाओगे। तो मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।